तीन एटीन एटीज में जर्मनी के एक टाउन जिसको मोटलिंगन के नाम से जाना जाता है, वहां के एक चैम्बर में से एक डायरी मिलती है। एक ऐसी डायरी जिसके अंदर उस टाउन के कई सारे अनगिनत वाकयात नोटेड होते हैं। लेकिन एक ऐसा वाकया उस डायरी के अंदर लिखा गया होता है जिसके बारे में वहां के रहने वाले शहरियों को थोड़ा बहुत भी इल्म नहीं होता। ये डायरी उस टाउन के पेस्टर ने लिखी होती है जिसका नाम योहान क्रिस्टोफ लूमहार्ट के नाम से जाना जाता है। 1838 में इस पेस्टर को इन दो टाउन के लिए भेजा जाता है। ये वो दौर था जब लूथरनिज्म सबसे ज्यादा फैल रहा था। चर्च की बदौलत इस पेस्टर को इन इलाकों में भेजा जाता है ताकि लोगों के अकीदे को रिवाइव किया जा सके। बदौलत जारी किए इस एक वाकये ने ना तो सिर्फ योहान क्रिस्टोफ लूमहार्ट को चेंज कर दिया, बल्कि उस वाकये में मुलव्वस जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनकी भी जिंदगियां बदल दी। इंसानी तारीख का सबसे भयानक, सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक डिमोनिक पोजेशन इस डायरी में लिखा जाता है। शुरुआत होती है 1840 से, जब एक फैमिली मोटलिंगन के एक छोटे से घर में शिफ्ट होती है। इस फैमिली में दो भाई और तीन बहनें होती हैं। सबसे बड़ा भाई अपने बाकी बहन भाइयों को लेके अपने वालिदैन की डेथ के बाद इस टाउन में शिफ्ट होता है। एक एक घर ढूंढने के बाद जब पैसे इजाजत नहीं देते तो इसी टाउन के बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा घर उसको मिलता है। उस घर की कोई एक अलग ही हिस्ट्री थी जो उन लोगों को नहीं मालूम होती। वो घर तकरीबन 12 सालों से बंद पड़ा होता है और उस घर की कुछ माजी इस तरह का था कि जो भी उसके अंदर रहता था पहले वो कहां गए, लोग किधर गए, किसी को नहीं मालूम। लेकिन उस फैमिली के दो नौमौलूद बच्चों की खून में लतपत लाश उस घर के वरांडे से मिलती है। उसके बाद से उस घर को बंद कर दिया जाता है। तकरीबन 12 साल के बाद वो घर दोबारा खुलता है और ये फैमिली उसके अंदर जाके रहना शुरू कर देती है। एंटोनियस नामी ये बड़ा भाई अपने एक ब्लाइंड भाई के साथ और बाकी तीन बहनों के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उस घर की हालत इतनी बुरी होती है कि वो चीख चीख के घर बोल रहा होता है कि मुझे गिरा दो। लेकिन चूंकि ये शदीद गुर्बत में होते हैं तो उस घर में ही इनके पास मौका होता है रहने का। इन बहन भाइयों में एक 24 साल की बहन भी मौजूद होती है। 24 साल गॉटलिबन नामी ये खातून, जिसकी एक माजी में भी बीमारी डायग्नोज हो चुकी होती है, बकौल फैमिली के उसके सर में शदीद दर्द हुआ करता था, इतना कि वो कभी कभी अपना सर पकड़ के दीवारों पे मारा करती थी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि जिस घर में ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वही घर इनकी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला है।
1840s में जैसे ही ये फैमिली इस घर में शिफ्ट होती है तो फौरन ही शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं फैमिली मेंबर्स की तरफ से। अजीबोगरीब नॉक्स, चलने फिरने की आवाज़ें, दरवाजे बंद होने की आवाज़ें, और ये उस वक्त होता था जब घर में कोई नहीं होता था, और स्पेशली जब ये 24 साल खातून उस घर में अकेली होती थी तो ये वाकयात बढ़ जाते थे। यहाँ तक कि पहली रात जब ये लोग उस घर में शिफ्ट हुए और टेबल पे बैठ के खाना खाने का इंतजार कर ही रहे थे और दुआ के लिए हाथ उठाए, और जैसे ही इस खातून ने ओ लॉर्ड जीसस बी विद अस बोला, उसी चंद सेकंड के अंदर वो फौरन बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है लेकिन डॉक्टर्स को कोई रीजन नहीं मिलता इसके बेहोश होने का। उसके बाद वाकयात में तेजी आना शुरू होती है। ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे एक और फैमिली रहा करती थी। उन लोगों को इस घर की कुछ हकीकत के बारे में मालूम था लेकिन चूंकि ये लोग गरीब थे इसलिए इनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी और इस बात को वो लोग भी इग्नोर करते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ घर से वो आवाजें इतनी बुलंद हो गईं कि पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी वो अजाब बन गई थी। ये फैमिली चर्च गोइंग फैमिली थी और स्पेशली ये 24 साल खातून गॉटलिबन, ये एक खुदा से डरने वाली औरत थी और चर्च बकायदा जाया करती थी, उसी चर्च में जहां पे गुएन क्रिस्टोफ लूमहार्ट पेस्टर के तौर पे काम कर रहे। एक रात ये पेस्टर के पास जाती है ये बताने के लिए कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। ये बताती है कि मुझे हर वक्त उस घर से आवाजें आती हैं जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है, और वो आवाजें कहाँ से आती हैं, किधर से आती हैं, किसकी आती हैं, ये उसको नहीं पता चलता। फिर वो उन आवाजों की बात करती है कि जैसे बहुत सारे लोग लाउंज में चल रहे हैं, और इस बात की तस्दीक बराबर में रहने वाले पड़ोसियों ने भी की कि अक्सर रात को गुजरते वक्त इनके घर के सामने से ऐसा लगता था कि कई सारे लोग घर के अंदर मौजूद हैं हालांकि घर खाली होता था। दरवाजों का जोर से बंद हो जाना, खिड़कियों का बजना, ऐसा लगता था कि कोई अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है। शुरू में तो पेस्टर को ये बात समझ नहीं आई और उसने इस बात को इग्नोर करके इन खातून को रवा दवा कर दिया। लेकिन चंद महीने के बाद उसी फैमिली मेंबर में से एक फैमिली मेंबर इनके पास दोबारा आता है उस खातून के बारे में अपडेट करने के लिए। ये फौरन ही अपना सारा सामान उठा के उस घर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं देखते हैं कि एक डॉक्टर भी मौजूद है। ये उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां पे वो गॉटलिबन नामी खातून अपने बिस्तर पे होती है। इनका पहले एक्सपीरियंस उस खातून के साथ ज्यादा अच्छा रहा नहीं था, इनको लगा था कि शायद इसका कोई दिमागी तवाजन खराब है। और जैसे ही उस घर में उस कमरे में दाखिल होते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि उसी खातून के बराबर में एक डॉक्टर भी मौजूद है जो उसको तरीके से देख रहा है। लेकिन जैसे ही ये पेस्टर उस कमरे में आते हैं तो वो खातून इनको कोई घास नहीं डालती, अलबत्ता साइड कन अखियां जिसे हम कहते हैं कन अखियों से सिर्फ उसको देख रही थी, पूरी बॉडी उसकी फ्रीज हुई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसके आने से अनकंफर्टेबल है। उस वक्त की रीडिंग्स और एनालिसिस के हिसाब से पास्टर को भी ये लगता है कि शायद ये कोई मेडिकल इशू है। लेकिन जो वाकयात उस रात के बाद से होना शुरू होते हैं वो हर किसी की सोच को बदल के रख देते हैं। बकौल उस लड़की के जो चंद महीने पहले ये शिकायत कर रही थी कि ये दरवाजे बंद होते हैं,
चलने की आवाजें आती हैं, घर में से किसी के बातें करने की आवाजें आती हैं। अब वो कहती है कि जब मैं रात को अपने बिस्तर पे सो रही होती हूँ और मेरी आंख खुलती है, तो एक काले कपड़ों पे खातून मेरे बिस्तर के सिरहाने पे बैठी होती है, एक मुर्दा बच्चे के साथ। और वक्त के साथ साथ वो औरत करीब से करीब आती जा रही है। उसके बाद से योहान क्रिस्टोफ ब्लूम हार्ट, जिन्होंने उस पूरी डायरी में इस एक्सिज्म के बारे में एक एक डिटेल लिखी है, बताते हैं कि किस तरीके से वाकयात बढ़ते गए और वाकयात में इजाफा होता गया। पहले तो कहते हैं कि वही टिपिकल आवाजें आना, शेडोज दिखना, दरवाजे बजना, खिड़कियों का खड़खड़ा जाना, यहां तक कि जिस बिस्तर पे वो लड़की लेटी होती थी वो बिस्तर अपनी जगह से हिल जाता। जब फर्स्ट टाइम ये लोग एग्जिज्म के लिए गए तो कहते हैं कि 25 दफा हमने नोट किया कि हम कोई 3 घंटे उस घर में रहे और 25 दफा दरवाजे बंद हुए, खिड़कियां हिली, फर्नीचर अपनी तरफ से खुद हिला, चेयर्स मौजूद कमरे में मौजूद मेयर को जाके लगी। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जब ये एक्सिसिज्म का मरहला शुरू होने वाला था तो उस टाउन के मेयर को भी इन्वॉल्व किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इलीगल एक्ट हो जाए। जब मेयर मौजूद था उस घर में और ये पैस्टर भी मौजूद थे और यहाँ तक के डॉक्टर भी मौजूद थे, तो ये डिसाइड किया गया कि आखिरकार इस घर में कोई मसला है, इस घर को चेक किया जाए। उस फैमिली को थोड़े दिन के लिए किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है और इस घर को बिल्कुल खाली कर दिया जाता है, ये सोचते हुए कि शायद घर में कोई मसला है। जो आवाजें आ रही हैं उसका ओरिजिन निकालने की कोशिश की जाती है, एक एक करके फ्लोर्स को तोड़ा जाता है, जिसमें से कुछ अजीबो गरीब चीजें निकलना शुरू होती हैं। एक पोटली मिलती है जिसके अंदर सूत मिलता है। सूत मतलब एक ब्लैक पाउडर, इस तरह का जैसे किसी चीज को जलाया हुआ है, और वो एक 5-6 कॉइन्स के अंदर रैप हुआ हुआ होता है और उसके ऊपर कुछ अजीब तरीके से लिखा होता है। जैसे ही पेस्टर उस चीज को देखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये ब्लैक मैजिक से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। एक एक करके दूसरे कमरों को भी चेक किया जाता है तो जमीन पे जो चीजें बिछी हुई होती हैं उधर से मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों से पेपर्स मिलते हैं जले हुए, चॉक मिलती है, हड्डियां मिलती हैं और खून के धब्बे मिलते हैं। अब तक ये बात कंफर्म हो चुकी होती है कि शायद इस घर में इस फैमिली से पहले जो लोग रहते थे वो ब्लैक मैजिक यानी कि मैजिक स्पेल किया करते थे, और ये बात वहां के रहने वालों को भी मालूम थी। शायद आपको याद हो चंद मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि उस घर में 12 साल पहले 2 बच्चों की खून में लथपथ लाश मिली थी। ये वही 2 बच्चे थे जिसकी वालदा उस घर में उन बच्चों के साथ रहती थी। वो वालदा कहां गई किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता गॉडलिबन का ये मानना था कि वो औरत अपने उस बच्चे के साथ इसको दिखती है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता करके खुलना शुरू होती है। बकौल गॉडलिबन के वो कहती है कि इस औरत ने अपने बच्चों को कत्ल किया और कत्ल भी शैतान की पूजा के लिए, और फिर कत्ल करने के बाद उनका खून शैतान के हवाले करने के बाद उसने अपने आप को मार दिया और अपने मारने के बाद अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। ये बात जब पेस्टर मेयर
उस फैमिली मेंबर्स के बाकी लोगों को पता चलती है तो वो खौफ के मारे डरना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तक ये बात कंफर्म हो चुकी होती कि शायद ये घर ही है असल मुसीबत की जड़। तो योहान क्रिस्टोफ ब्लूमहार्ट और मेयर उस फैमिली को एक और घर में शिफ्ट कर देते हैं और वक्त के साथ साथ उस खातून के साथ वाकयात होना भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये उनकी गलत फहमी होती है। चंद महीने के बाद तकरीबन 1841 में उसी फैमिली में से एक मेंबर दोबारा से योहान क्रिस्टोफ ब्लूमहार्ट के पास आता है कि वाकयात दोबारा होना शुरू हो गया और अब इन वाकयात की इंटेंसिटी दुगनी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि वो जो भी एंटिटीज थी जो पीछे रह गई थी, शायद पीछे नहीं बल्कि उसको फॉलो करते करते उधर तक पहुंच गई हैं। जब ब्लूमहार्ट उस फैमिली के नए घर में जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ दीवारों पे बड़े बड़े नाखूनों के निशान हैं और जब वो निशान फॉलो करते करते उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि गॉटलिबिन नामी वो 24 साल खातून अपने बिस्तर पे मौजूद है जिसकी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। ये बताते हैं कि किस तरीके से जब इन्होंने एक्सिज्म सेकंड एक्सिज्म करना शुरू किया तो उसकी आवाज बदलती गई, कभी वो हंसती कभी वो रोती। कहा जाता है कि पहले एक्सिज्म में 14 डीमंस थे जो उसको पजेस किए हुए थे, लेकिन सेकंड एक्सिज्म के टाइम पे 425 डीमंस उन्होंने अपने आप को जाहिर किया था। आहिस्ता आहिस्ता इन वाकयात में और बढ़ाना शुरू हो गया। अब जो उस घर के अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे उनका ये कहना था कि रात गए चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, साए दिखते हैं। वो औरत अब बाकी मेंबर्स को भी दिखने लग गई है। कोई ना कोई कहानी गॉटलिबिन के माजी से जरूर जुड़ी थी, शायद कुछ ऐसा माजी में उसके साथ हुआ था जिसकी वजह से ये सारे वाकयात हो रहे थे। एक दिन एक्सिज्म करने के बाद जब गॉटलिबिन थोड़ी बेहतर फील करने लगी तो उसने इस बात की तस्दीक की कि माजी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शायद उसका प्रेजेंट इतना खतरनाक गुजर रहा है। बताया जाता है कि जब वो 7 साल की थी तो अपनी बीमारी की वजह से वो अपने कजन के घर रही। बकौल उस 7 साल लड़की के, बकौल इस गॉटलिबिन के, वो एक ईविल शख्स था जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था और शायद उन्हीं ब्लैक स्पेल्स की वजह से या उनकी मदद से इसकी जो भी बीमारी थी उसको उसने खत्म किया और आखिर में इसको शैतान के हवाले कर दिया। वो 7 साल बच्ची के साथ जो हुआ था वो अब 25-26 साल गॉडलिबिन के साथ हो रहा था और देखते ही देखते चंद महीनों के अंदर 14 डीमन से लेके 425 डीमन और फिर 425 डीमन से लेके आखिरी रिकॉर्डेड डीमन 1100 बताए जाते हैं जो इससे पजेस थे। बात इधर तक पहुंच चुकी थी कि पहले तो सिर्फ आवाजें आती थी, फिर सेकंड स्टेप में शैडोज नजर आते थे, थर्ड स्टेप में वो औरत नजर आती थी और अब इस तरह के वाकयात होना शुरू हो चुके थे कि इंसान सोच भी नहीं सकता।
इंसान का दिमाग मान भी नहीं सकता। उस लड़की को उल्टियां होना शुरू हो गई। पहले वो बाल्टियां भर भर के पानी की उल्टी करती। उसके बाद कहा जाता है कि चौक, ब्लैक पाउडर, ब्लड, खून, कॉइंस, बोन्स, यहां तक कि नेल्स, नट्स, तारे, ये सब उसकी उल्टी से निकलती। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि मेंढक, चमगादड़, ये तक उसके खून से उल्टी से निकले हैं। एक पॉइंट पे तो उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इस पूरे 1.5 साल के एग्जिज्म के दौरान वो कई दफा मरी। कई दफा ऐसे किस्से सामने आए कि फैमिली मेंबर भागते हुए इस पैस्टर के पास आए कि उसको कुछ हो गया। जब ये पैस्टर उस घर में जाता है, देखता है कि उसको सांस नहीं आ रही होती। 10-10, 20-20, 25-25 मिनट तक वो बगैर सांस के मरी पड़ी वहीं रहती है और फिर अचानक से जाग जाती है। ये वो सारी बातें हो रही थी तो शायद कोई भी यकीन नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से इन बातों को छुपा दिया गया था वहां के लोकल्स के साथ। जो आखिरी मरहला था वो सबसे खतरनाक था। कहा जाता है 24 घंटे में से सिर्फ उस लड़की को 10 मिनट मिलते थे सुकून का सांस लेने के लिए, वरना वो पूरे 24 घंटे उसके साथ इतना बुरा सलूक करते थे वो शैतान कि आप लोगों की सोच। उसकी जिस्म की हर एक हड्डी टूट चुकी थी, वो सूख कर कांटा हो चुकी थी, वो मरने के इतने करीब थी कि अगर कोई उसको धक्का देता तो वो मर जाती। लेकिन वो शैतानी रूहें, वो जिन्नात, वो डीमंस उसको मरने नहीं दे रहे थे। इस सारे सूरत हाल में लोमहार्ड का एक इंसिडेंट था जिसने उसको खौफजदा कर दिया। इतना खौफजदा कर दिया कि उसकी फैमिली ने उसको ये तलकीन की कि आप इस केस को छोड़ दें। लेकिन उसने इस केस को और इस औरत को नहीं छोड़ा। और वो केस था, एक रात जब ये उस खातून को एक्सिज्म कर रहा होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अकॉल इस डायरी के वो शैतान सामने आता है, जिसे द एंजल ऑफ सेटन के नाम से कहा जाता है। बताया जाता है कि वो ये बात करता है कि मैं इसको मरने भी नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी है और मैं इसके जरिए और काम करूंगा। उसके बाद चर्च, शहर, गवर्नमेंट, लूमहार्ट अपनी जान तोड़ कोशिश कर लेते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। और तकरीबन 1.5 पौने 2 साल की मेहनत के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। ठीक होने के ठीक 6 साल के बाद, यानी कि 1850 में, वो लड़की इसी पैस्टर के घर में काम के लिए आती है ताकि वो उसके एहसानों का बदला जुटा सके। हम सब ने फिल्म दी एक्सिस्ट देखी है। वो तो सिर्फ फिल्म थी, ये हकीकत है। कई सारे लोगों का मानना ये है कि एनालिस मिशेल का जो एक्सिस्टम है वो सबसे खतरनाक है, लेकिन नहीं, तारीख बताती है द मोस्ट एक्सट्रीम डिमोनिक पोजेशन इन हिस्ट्री वॉज ऑफ
got living dustings. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। हमारे शो में शामिल होने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी ईमेल्स हमें अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैट के टॉप पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपनी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा शो, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, लेट नाइट हॉरर शो, इज ऑल अबाउट मिस्टीरियस हॉरिफाइंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। 1840 में वाक़ होने वाला ये खौफनाक वाक़ा, जिसके बारे में हमने आपके साथ आज पूरी डिटेल्स भी शेयर नहीं कर सके, क्योंकि ये तकरीबन 2-2.5 साल के उसमें अरसे में हुआ है। इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने मुख्तलिफ लिंक्स के ज़रिए ढूंढी है। अगर आप लोग वो रिसर्च पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड एंड यू कैन रीड एंड यू कैन गो एंड सर्च फॉर योरसेल्फ एज वेल। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाज़िरी लगाइए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहा है। राइट फॉक्स, सकीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब्दुल मालिक, वालेकुम अस्सलाम। एहसन खालिद आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर फातिमा, थैंक यू सो मच। फरहाना साहिबा, थैंक यू सो मच। आयशा सिद्दीकी, ऑल द बेस्ट। मोहम्मद नसर, थैंक यू। खुर्रम रहमान आपका भी शुक्रिया। नबील अहमद, इस्माइल नबी, अफान, आमिर, बेग आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ख़वातीन हज़रात। जो वाक़ा हमने आपके साथ शेयर किया, इसकी अगर आप मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्या और वाक़ात जो डिटेल में आपको सुनने को मिलेंगे, उनके लिंक्स आपको हमारे पास डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद लिखे हुए मिल जाएंगे, ताकि आप लोग उस पर सर्च कीजिए और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाक़ थे जो उन खातून के साथ हुए जिसे इंसानी तारीख का सबसे ख़तरनाक डिमोनिक पोजेशन कहते हैं। 1011 डिमोनिक पोजेशंस एक खातून के अंदर, सोच सकते हैं आप लोग। मतलब किस कर्ब, किस तकलीफ से वो औरत और वो फैमिली गुजरी होगी। इट्स अनबिलीवेबल। खैर जी, अपने कॉलर्स को शामिल करना शुरू करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं अभी। एंड होपफुली आज इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो, लोगों की आवाजें भी क्लियर आए।
थैंक यू ताहिर रिजवी साहब, थैंक यू सो मच। आदिल आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। कोई बात नहीं। वक्कास, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। आई थिंक अभी कॉलर्स सही तरीके से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे। खैर जी, ईमेल्स आप लोग हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर अगर आप लोग अपने साथ हुए वाकयात हमसे हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करके शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, फर्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, इस घर में मूव हुए हुए हमें चंद मिनट ही हुए, चंद महीने ही हुए हैं। हमारे मूव होने के फौरन बाद ही मोहल्ले में मेरी दोस्ती हो गई लोगों से, तो पता ये चला कि हमारे ही मोहल्ले में एक घर है जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है और उस घर के बारे में ये मशहूर है कि वहां पे जिन्नात है। अब जिन्नात, हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इसके ऊपर तो मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही। ये सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी जाके चेक करूँ कि कौन से जिन्नात हैं, कौन सा वो घर है। कहते हैं कि एक शाम मैं अपने वालदा से ये कहकर घर से निकला कि मैं नीचे दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, बजाय दोस्तों के पास जाने के मैं डायरेक्टली उस घर की तरफ गया। दूर से दिखने में तो वो घर बिल्कुल बंजर, अजीब सी हालत उसकी हुई भी थी। उसके बड़े बड़े दरवाजों पे बड़े बड़े ताले और उन तालों पे शदीद जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से ये दरवाजे खुले ही नहीं है। उस घर की दीवार को टाप कर जब मैं अंदर गया तो मुझे अंदाजा हो गया कि शायद ये बात दुरुस्त है कि इस घर की रखवाली के लिए भी कोई नहीं आता। चारों तरफ पत्ते कचरा पड़ा हुआ, लेकिन हैरान कन बात यह थी कि सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद। इतने अरसे से जिस घर की देखभाल ना हुई हो, अमूमन ये देखा जाता है कि उसके दरवाजे, खिड़कियां, शीशे टूट जाते हैं, लेकिन इस घर का ऐसा कुछ भी नहीं था। इत्तेफाक से अपनी हिफाजत के लिए मैं अपने साथ बैट ले गया था। उस बैट की मदद से सामने बनी हुई खिड़की, जिसके पहले एक ग्रिल थी, ग्रिल के पीछे खिड़की थी, मैंने उस बैट के जरिए उस खिड़की को खोला। और जैसे ही मैंने खिड़की को खोला तो एक गंदी बदबू उस घर के अंदर से मेरे पास आती हुई मुझे महसूस हुई। अभी वो बदबू को ही मैं एडजस्ट कर पा रहा था कि मेरी नजर सामने एक स्लैब पे पड़ी जिसके ऊपर कई सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और उस पूरे स्लैब पे खून ही खून था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खौफ के मारे मैं थर थर कांपने लगा। फौरन ही मैंने अपना बैट उठाया और डरते डराते उस घर से बाहर चला गया। जब बाहर गया तो गली के मोहल्ले में जो लड़के थे वो मुझे मिले। उनसे जब बातचीत हुई तो पता ये चला कि सब ने ही इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इस घर में कोई ना कोई ऐसी मखलूक है जो यहाँ पे किसी को रहने, आने या तक के पास भटकने नहीं देती। ये सुनने के बाद मेरा खौफ और बढ़ गया। अब मुझे डर लगने लगा कि मैं तो अभी इस घर के करीब तक गया हूँ, अंदर तक झांका है, और मैंने जो है उस स्लैब पे खून और हड्डियां पड़ी हुई देखी हैं। मैं फौरन ही अपने घर चला जाता हूं।
बगैर अपने माँ बाप को बताए कि आखिर मैं कहाँ से हारा। अब शुरुआत होती है असल वाकई की। रात को सोने के लिए मैं अपने कमरे में जाता हूँ, लाइट बंद करके सोने के लिए लेटता ही हूँ कि मुझे सरगोशी की आवाजें आना शुरू होती है, जैसे मेरे कान के पास आके कोई बोल रहा है। और उन कई सारी आवाजों में चंद आवाजें ऐसी थी जो मैं समझ पा रहा था, जिसे मैंने अंदाजा लगाया कि उन जिब्रिश बयान में कुछ अल्फाज थे जो ये कह रहे थे कि कहते हैं मुझे पहले ये अपना वहम लगा। मुझे लगा कि शायद शाम में जो हरकत मैंने की है उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है, लोगों ने जो वाकया बताए उसकी वजह से मुझे खौफ तारी हुआ है और खौफ की वजह से मेरा दिमाग इस तरह की चीजें बना रहा है। लेकिन फिर अपने कमरे के आखिर में मैंने एक साया नमूदार होते हुए देखा। वो साया किसका था मुझे नहीं मालूम, लेकिन चंद मिनट तक वो साया उस कमरे में मेरे सामने खड़ा रहा। ये शुरुआत थी उन वाकयात की जो उस घर में दाखिल होने के बाद मेरे साथ होना शुरू हुई। फिर इस तरह की चीजें मुझे अपने स्कूल में भी नजर आती, यहाँ तक कि अपने वालिदैन के साथ जब कहीं घूमने फिरने गाड़ी में जाता तो मुख्तलिफ इलाकों से जब होते हुए जाते तो वहां पे भी मुझे कुछ इस तरह की शेडोज, इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई थी, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। फिर ये आवाजें बढ़ते बढ़ते अब ऐसा होना शुरू हो गया था कि रात को स्लीप पैरालिसिस के मामला होना शुरू हो गए। स्लीप पैरालिसिस के दौरान मुझे ऐसा लगता कि मेरे बिस्तर के किनारे कोई मर्द खड़ा हुआ है जिसके आंखें नहीं हैं, लंबे लंबे बाल हैं, और वो बार बार ये कहे जा रहे कि उधर क्यों आए थे। जब वाकयात हद से ज्यादा बढ़ गए तो मैंने अपने वालिदैन को वाकया बताया कि कैसे मैं उस दिन उस घर में गया था और कैसे मैंने उस घर में उस स्लैब के ऊपर खून पड़ा हुआ देखा था, हड्डियां पड़ी हुई देखी थी। हालांकि उस घर का हर एक दरवाजा बंद था, उस घर में दाखिल होने का और कोई रास्ता नहीं था, खिड़कियां भी बंद हुई हुई थी, लॉक थी, ताले भी ऐसे लॉक थे जैसे कई सालों से इनको खोला ना गया हो। जब वालिदैन को इस बारे में पता चला तो वो परेशान हुए। एक आलिम साहब को इन्वॉल्व किया गया। पहले आलिम साहब हमारे घर में आके अपनी पढ़ाई करते, लेकिन फिर उनका मानना ये था कि हमें उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे ये लड़का गया था। मुतसमीद, मेरी वालदा और वो आमिल, हम लोग उस घर के अंदर गए। ये सारा वाकया दिन दहाड़े मोहल्ले वालों के सामने हो रहा था। शर्मिंदगी अलग हो रही थी लेकिन खौफ अलग तारी हो रहा था। जैसे जैसे मैं उस घर की तरफ बढ़ रहा था मुझे वो सारे वाकयात रिवाइव हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है उस घर से जो मुझे देख रहा है। वो घर मुझे एक ऐसे खौफ की अलामत पेश कर रहा था जैसे मैं मार दिया जाऊंगा। जैसे ही उस घर की दीवार पे पहला कदम मैं रखता हूं तो एक अजीब सी आवाज आना शुरू होती है घर के अंदर से, जैसे कोई बहुत गुस्से में कोई स्टील की रॉड जमीन पर रगड़ रहा हो। बाहर खड़े हुए आलमिल साहब ने जोर जोर से आयतें पढ़ना शुरू की। एक पॉइंट ऐसा आया कि हमें बाकायदा उस घर से शेडोज नजर आते हुए दिखे। चंद घंटों की प्रैक्टिसेस के बाद, पढ़ने पढ़ाने के बाद, फिर आमिल साहब ने हमें ये बताया कि अब आपको ये मखलूक कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उस मखलूक का मानना यह है कि कोई भी इस घर की दीवार के आर पार नहीं हो सकता। वो दिन है और आज का, हम उसी घर में रहते हैं, उन्हीं गलियों में घूमते हैं, लेकिन उस घर से कोसों दूर रहते हैं जहां आज भी कोई नहीं रहता।
जहां आज भी ताले पड़े हुए हैं, जहां आज भी वो मखलूक रहती है जिसे शायद किसी और की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा हो। दिस रेडियो फॉर्मेट इज ओनली फॉर द लिसनर्स। आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर अपने वाकयात अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बढ़ते हम अपनी हॉरर टेप की तरफ, क्योंकि ये हॉरर टेप बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई वांट कि ये वाकयात और ये पूरी टेप आप लोग सुने ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि एक छोटी सी गलती से आप लोग का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। मिनाज भाई, मैं आसिल बात कर रहा हूँ और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो सिलसिले में मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ एक हॉस्टल में। तो पहले एक दो साल तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ उसी हॉस्टल में उसी रूम में, लेकिन 2021 के एंड की बात है कि हम तीन चार रूममेट हैं, दोस्त हैं, हमने सोचा यार चलो बाहर से खाना मंगवाते हैं। तो हमने कढ़ाई मंगवाई, खाना खा लिया तो हड्डियाँ डिस्पोज करनी थी, तो मेरा दोस्त वो फेंकने जा रहा था, तो उसको मैंने वैसे मजाक में बोला, मैंने बोला यार ये हड्डियाँ जिन्नों की खुराक होती है, तो उसको ना फेंक, इसको कहीं रख देते हैं, कोई जिन खा लेगा। अब मैंने मजाक में बात की तो उसने बोला चलो ठीक है। उसने डब्बा मुझे पकड़ाया, बोलता जाके दे आओ, मजाक में उसने बोला। तो मैंने वो डब्बा पकड़ा, अपना रूम खोला और बिल्कुल रूम खोल के बिल्कुल साथ ही रख दिया। और मैं पीछे वापस मुड़ा अंदर आने के लिए तो कोक की खाली बोतल पड़ी हुई थी। मैं चलो यार इसको भी रख देता हूँ बाहर ही, सफाई वाला आएगा तो ले जाएगा। तो मैं वो बोतल उठा के मुड़ा हूँ तो हड्डियाँ गायब थी। तो मैं परेशान हुआ, मैं अंदर आया, मैंने दोस्तों को बताया मैं यार हड्डियाँ गायब हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मजाक में ली थी बात, उन्होंने बोला तूने खुद छुपाई हैं और तू मजाक कर रहा है ये वो। खैर बात आई गई होगी। खैर हफ्ता गुजरा, हमने दोबारा कढ़ाई मंगवाई और उसी तरह हड्डियाँ डिस्पोज करनी थी बाद में। तो वो फेंकने जा रहा था दोस्त मेरा, तो एक कहता है कि नहीं यार ये आसिल के पास तो जिन्न है, वो हड्डियाँ खाते हैं, इसको दे ये रख दे। मैंने ली तो हमारे रूम के साथ है बालकनी, तो उन्होंने कहा कि यार बालकनी में रख, हम भी देखें कैसे गायब होती हैं। मैंने भी शुगल में रख दी वहाँ पे। अब वो बालकनी इस तरह की है कि वहाँ पे मतलब बिल्ली का आना भी मुश्किल है, तो मैंने वहाँ रख दिया और मैं आके बैठ गया। अब एक दो मिनट गुजरे होंगे तो दोस्त ने बोला यार उठ के चेक करो, तो मैंने उठ के चेक किया तो वो गायब थी। अब दोस्त भी थोड़े परेशान हुए, लेकिन आपको लड़कों का पता है वो मतलब मजाक वगैरह कर करके वो सारी चीज़ें कवर हो जाती, पता नहीं लगता कुछ हुआ भी है कि नहीं। खैर कुछ अर्सा गुजरा तो रात के तकरीबन 8 बज रहे होंगे और मैं रूम में अकेला था, लाइट भी ऑफ थी और मैंने हैंड्स फ्री लगाए हुए थे और मैं कुछ देख रहा था, तो ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने बेड के नीचे से जूता मारा बहुत ज़ोर से। तो अब मैं थोड़ा घबराया, मैंने हैंड्स फ्री उतारे, लैपटॉप साइड पे रखा, मैं प्रोसेस कर ही रहा था कि क्या हुआ है, तो एक जूता स्लाइड होके मेरे बेड से दूसरे बेड के नीचे गया। तो मैंने जल्दी जल्दी आतिल कुर्सी वगैरह पड़ी, उठ के लाइट ऑन की और फिर मैं बैठ गया। इतनी देर में मेरे दोस्त आ गए, तो खैर मैंने उनको नहीं बताया, मैंने बोला उनको बताऊँगा तो ये दोबारा मजाक वगैरह शुगर वगैरह लगाएंगे। खैर अगले दिन दोबारा वही टाइम हो रहा था, रात के 8 बज रहे थे और मैं अकेला ही बैठा हुआ था, लाइट ऑन थी और मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, तो ऐसा लगा जैसे साथ बेड पे ना कोई छलांग मार के आके बैठा है।
मैं भी डरा, मतलब कि क्या चीज़ गिर गई बेड के ऊपर। तो देखा कुछ भी नहीं था, वो एक बेड की स्पेसिफिक नॉइज़ होती है, मतलब कोई बैठता है उठता है तो आवाज़ आती है उस तरह की। तो मैंने आतिल कुर्सी वगैरह पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई उठ के जा रहा है। खैर उसके बाद कुछ दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, 2022 स्टार्ट हो गया और जनवरी भी मेरा आराम से गुजर गया। फेब के एंड में मेरा मूड ख़राब होना शुरू हो गया, मतलब चिड़चिड़ापन और गुस्सा, और मुझे हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो गई। मतलब किसी लम्हे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ अपने शौक से कर रहा हूँ, और एकदम से मतलब मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब होगा उस चीज़ से कि वो मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा। मतलब बेशक कुछ भी हो, मेरा अपना यूनिवर्सिटी का कोई काम हो, या फिर कोई मूवी कह लें आप, या कुछ खा रहा हूँ, तो मतलब एकदम से विद इन अ सेकेंड में बिल्कुल मूड चेंज होता था, और बिल्कुल ही बस इतनी समझ नहीं आती थी। खैर मेरे भाई भी मुझे मिलने आता रहता था, तो हम लोग जाते होते थे भाई घूमने फिरने, हाइकिंग होटलिंग वगैरह, तो वो भी मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। भाई आता था तो मैं भाई को भी अवॉइड करता था, थोड़ा इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था। खैर उसने भी नोट किया, उसने मुझे बोला यार क्या इशू है, मैंने बोला यार कोई इशू नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा मूड ऑफ है ये वो। खैर मेरा भाई भी उस चीज़ के साथ नॉर्मल हो गया कि चलो यार ठीक है। वो आता था बस थोड़ी बहुत बातें हैं, खाना इधर ही मंगवा लिया खा लिया। रमज़ान आ गया, गुजर गया, ईद छोटी गुजर गई, बड़ी ईद आ गई। अब बड़ी ईद तक भी मेरा ये मसला जो था वो ठीक नहीं हुआ। तो खैर ईद का दूसरा दिन था आई गेस, वो मैंने बिल्कुल तकरीबन अकेले बैठ के गुजारा। तो खैर रात को कज़न्स वगैरह आ गए, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ले गए, आज यार गप्पे मारे हैं, बातें करें ये वो, तो मैं चला गया। लेकिन वहाँ मेरी लड़ाई हो गई उनसे छोटी सी बात पे, तो हालांकि मैं इस तरह का हूँ ही नहीं, और वो भी परेशान हो गए कि यार इस तरह का है ही नहीं, मतलब मैं इस तरह हूँ, मतलब शुगर में रहता हूँ, मजाक करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ। तो वो भी परेशान, मेरा भाई भी, कि यार इस तरह का तो है ही नहीं, ये क्यों लड़ा है मतलब इतने बुरे तरीके से। खैर वो बात भी आई गई होगी, मेरी थोड़ी सी छुट्टियाँ थी वो मैंने गुजारी और मैं वापस इस्लामाबाद आ गया। और जब मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो वो जो मेरे मूड स्विंग्स थे वो ख़त्म हो गए। खैर एक महीना गुजरा होगा तो मुझे अपना जो तकिया था उससे आवाज़ें आना शुरू होगी, मतलब जिस तरह विस्पर्स होते हैं उस तरह की। अब वो इतने लाउड एंड क्लियर होते थे कि मतलब क्लियरली सुनाई देते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये बोल क्या रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज है, क्या है। और इस तरह था कि बहुत ज़्यादा लोग एट द सेम टाइम बात कर रहे हैं। और खैर मैं उठा, रात का वक्त होता था, जब भी मैं लेटता था रात को तब इस तरह होता था, तो मैं उठ के भी बिल्कुल खामोशी होती थी, तो मैं पूरा गौर करता था कि यार कहाँ से आवाज़ आ रही है। उठता था तो कोई आवाज़ नहीं, लेटता था तो आती थी। खैर मैंने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने बोला यार मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे कोई कॉल पे बात कर रहा होगा, लेकिन वो एक रूटीन बन गई। खैर 5-6 दिन इस तरह गुजरे और वो आवाज़ आना बंद हो गई, और जिस दिन वो आवाज़ आना बंद हुई है उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता गुजर गया, मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल, मैं जागता रहता था। मतलब ये पहले हफ्ता तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई, मतलब एक होता है बंदा थोड़ा स्लीपी फील करता है, उस तरह का कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं जागता रहता था। अब साथ में यूनिवर्सिटी भी थी, सारी रूटीन थी, तो मेरी तो बस होगी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला ना यार मैं कल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही चीज़ जो भी है, मतलब नींद नहीं आ रही है। मैंने ये बात की है और हम लोग लेट गए हैं, और तकरीबन 1:30 बजे मुझे नींद आ गई। अब 1:30 बजे मैं सोया हूँ और 3 बजे ना मेरी आँख खुल गई है, और मतलब मैं ऐसे उठा हूँ नींद से जैसे मैं इस तरीके से मैं कभी पहले नहीं उठा पूरी ज़िंदगी। मतलब एक बंदा उठता है थोड़ी सुस्ती होती है या इस तरह का कुछ, मतलब आप इस तरह कह लें कि मतलब किसी ने मैनुअली उठाया है, मतलब मैं अपने ओन पे नहीं उठाऊँ। अब मैं उठा, मेरी आँख खुल गई, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैंने यार पता नहीं क्या इशू है, लेकिन थोड़ी सी नींद आ गई थी, मुझे आसरा हो गया। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास, फिर किसी दिन अभी टाइम नहीं है, क्लासेज हैं ये वो, क्योंकि लास्ट वीक जो मेरा गुजरा था जाग जाग के, वो उससे मैंने क्लासेस भी मिस की थी, तो क्लासेस मैं मिस कर नहीं सकता था। खैर मुझे फिर नींद नहीं आई और टाइम भी नहीं मिला था डॉक्टर के पास जाने का। खैर 2 हफ्ते इस तरह गुजर गए और मेरा बिल्कुल एंड हो गया, एक लिमिट होती बर्दाश्त की वो ख़त्म हो गई। खैर मैं किस तरह करके डॉक्टर के पास चला गया, उन्होंने एनजाइटी डायग्नोज की और नींद की दवाइयाँ दे दी मुझे, वो मैंने आके पहले दिन खाई, और मुझे कोई 10-11 मुझे नींद आ गई और मैं सोया हूँ। तो 3 बजे मैं उसी तरह दोबारा उठ गया, थोड़ी देर उठा रहा लेकिन वो दवाई का नशा था, तो थोड़ी देर बाद दोबारा सो गया। खैर नेक्स्ट डे इस तरह हुआ कि मतलब दवाई खाई और सो गया, और 3 बजे उठ गया, उसके बाद नींद नहीं आई। अब
मतलब 2 हफ्ते से ही उतरा। मैं दवाई खाता था और मैं वैसे 12 बजे सोऊँ, 1 बजे सोऊँ, 2 बजे सोऊँ या 10 बजे सो जाऊँ, रात के 3 बजे मैंने उठ जाना कन्फर्म, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। खैर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, मैंने बताया यार ये इशू है, तो मतलब मेरी आँख खुल जाती है, मुझे जमीन मेरी पूरी नहीं हो रही। तो उन्होंने डोज डबल कर दी और वापस आया और दोबारा उसी तरह वही इशू, 3 बजे वाला फिक्स। खैर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, उन्होंने डोज और डबल कर दी और उसके साथ भी यही सीन। तो मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, 11 kgs विद इन अ मंथ आई गेस। तो उसका ये सीन हो गया कि अगर मैं सोता भी था तो जब मैं उठता था तो मतलब इस तरह हो गया था कि जो ख्वाब होता था वो मेरी मेरे लिए रियल लाइफ हो गई थी, और जो रियल लाइफ होती थी वो मेरे लिए ख्वाब होता था। अगर मैं सो के उठता था किसी टाइम आगे पीछे तो मुझे लगता था कि मैं ख्वाब के अंदर ट्रैप हो गया हूँ, और काफ़ी देर बाद मुझे कुछ समझ आना शुरू होती थी कि नहीं यार मैं सोया था अभी उठा हूँ, और इस तरह सीन। और इसके साथ साथ मुझे मतलब बहुत सोच के बोलना पड़ता था, मतलब एक होता है बंदा बात करता है तो डायरेक्ट बात करता है, मतलब निकल आती बात जो सोची होती है, लेकिन मुझे बहुत सोच के और बिल्कुल मतलब कंट्रोल करके बात करनी पड़ती थी। अच्छा खैर इसके बाद इस तरह भी होना शुरू हो गया कि सपोज़ मैंने सैटरडे को सोया हूँ, फ्राइडे को सोया हूँ, सैटरडे को उठा हूँ, पूरी रूटीन गुजारी है, मैंने दोस्तों को कॉलें की हैं, बात की है, और फिर रात को सोया हूँ, संडे को उठा हूँ, पूरा दिन गुजारा है, मंडे को यूनिवर्सिटी गया हूँ और आके सोया हूँ, तो जो उठा हूँ तो मैं 2 दिन पीछे हूँ, सैटरडे है, और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं गूगल पे डेट चेक कर रहा हूँ, इधर उधर मतलब हर जगह सैटरडे, और मैं बिल्कुल पागल होने वाला हो गया यार, ये क्या हो रहा है। खैर इस तरह होना शुरू हो गया, मेरा लगा मैं अपना डॉक्टर चेंज करके देखता हूँ। अब डॉक्टर मैंने चेंज किया, वो डॉक्टर भी परेशान, उन्होंने बोला कि यार जिन मेडिसिन्स पे आप ऑलरेडी हो उससे हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए, तो उन्होंने कोई बहुत सोच के कोई मुझे मेडिसिन दे दी। खैर वो मैं से सो गया कोई 7-8 घंटे। अब वो इसके साथ इस तरह होना शुरू हो गया कि वो रोज़ 1-1 घंटा मेरी नींद कम होती गई, और दोबारा वही 3 बजे पे आ गई, और उसके बाद बिल्कुल गायब। और तब तक मतलब इन सारी चीज़ों में 2 महीने गुजर गए थे, मेरी डाइट भी ख़त्म हो गई थी, मतलब मैं एक दिन खाना खाता था वो भी कोई समझ लें आधी रोटी, तो 2 दिन उसे भी गुजारा करता था, भूख ही नहीं लगती थी, लगती थी तो खाना देखता था तो भूख ख़त्म हो जाती थी, और अजीब सा था जो भी था। खैर मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले थे 2022 के एंड में, दिसंबर की बात है, तो बस मेरी लिमिट क्रॉस हो गई जो मेरे बर्दाश्त की थी, तो मैं आ गया अपने घर। अब घर वालों ने मेरी हालत देखी तो वो मुझे लेके कराची आगा खान हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन सारे टेस्ट के लिए डॉक्टर्स को भी वहाँ पे कुछ खास, उन्होंने बोला यार बस एनजाइटी डिप्रेशन ही होगा, उन्होंने भी मतलब मेडिसिन दे दिया और वापस भेज दिया। खैर किसी ने बोला कि यार मतलब असरात वगैरह हो सकते हैं, मतलब अगर मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो आप एक दफ़ा रूहानी इलाज करा के देख लें, और यहाँ से चीज़ें ज़्यादा मतलब अजीब हो गई थी। खैर मैं दम करवाने गया तो मैं बिल्कुल इजी बैठा होता, रिलैक्स था, जैसे ही मेरी मेरी टर्न आई है, जैसे मेरी बारी आई है, तो मेरा हार्ट रेट इतना ज़्यादा और बिल्कुल लाइट हेडेड फील कर रहा हूँ, और मतलब अजीब सी मतलब फीलिंग थी। अच्छा खैर एक बात मैं पहले मिस कर गया हूँ, अज़ान। अज़ान मेरे से नहीं सुनी जाती थी, मतलब अज़ान होती थी तो मैं कहता था नाउज़ुबिल्लाह अज़ान क्यों हो रही है, मतलब बस जल्दी से ख़त्म हो जाए किसी तरह, और इस संग कुछ नमाज़ें छोड़ना शुरू कर दी थी, मुझे समझ नहीं आती थी क्यों बस मैं पढ़ा रहता था। अच्छा खैर दम वाली बात पे वापस आते हैं। अच्छा दम करवाया, उन्होंने चेक किया मुझे, उन्होंने बोला कोई इसके कोई मतलब कोई चीज़ है वो उसको तंग कर रही है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। खैर दम वाला पानी दिया उन्होंने मुझे, और मैं घर आ गया, घर आके मैंने रात को दम वाला पानी पिया और मैं सो गया, और ख्वाब में फिर मैं देखता हूँ कि एक लड़की आई है और मैं उसको देख रहा हूँ कि कौन है,
वो मेरे पास आई है और उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहती है कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मुझे समझ नहीं आई थी ये कौन है। खैर इतनी देर में मैंने देखा कि ना बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो मुझे मारने आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लश्कर कह लें आप। तो उसने कहा देखो मैं अच्छी हूँ, मैं अभी तुम्हें इनसे बचाऊँगी और मैं तुम्हें बताना है कि मैं एक जिन्नी हूँ। ये उसने कहा और उसके पर निकल आए और वो पर इतने गंदे, मतलब लकड़ी के कह लें, अजीब सी लकड़ी, गंदी सी, मतलब बहुत अजीब से पर थे। और उसने मुझे पकड़ा और वो मतलब इतने प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ उड़ी कि मैं छलांग मार के उठा बेड से। मैं उठा हूँ और मैंने टाइम देखा तो वही 3 बज रहे थे। खैर दम वगैरह मेरा साथ साथ चल रहा था और कुछ तवीज़ दिए हुए थे, वो पानी में डाल के पीने थे, वो मैं कर रहा था। खैर कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, फिर एक रात मैं सो रहा था तो मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, बारिश हो रही हो, बादल गरज रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ज़ोर के बादल गरजे और मेरी आँख खुल गई। अब मेरी आँख खुली है तो आवाज़ आ रही है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं उठ के बैठ गया, मैंने चलो थोड़ा सुन लेते हैं बारिश की आवाज़, ये बादलों की गरज, ये वो। मैं बैठ गया, बादल गरजते रहे, बारिश होती रही, थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। मैंने बोला चलो बाहर जाके देखते हैं कि मौसम कैसा है। ये दिसंबर की ही बात है, 2022। अच्छा मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक कतरा भी बारिश का नहीं गिरा हुआ था, एक कतरा, और आसमान बिल्कुल साफ, तारे निकले हुए हैं और ना कोई बादल ना कुछ। तो मुझे समझ आ गई, मैं वापस अंदर गया, मैंने जाके आयतुल कुर्सी वगैरह और कुल वगैरह पढ़े और मैं वापस उसके बाद मुझे नींद गई, मैं सुबह तक जागता रहा। खैर फिर कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मैं गया अपने कज़न्स के घर रहने कुछ दिन के लिए। तो हम लोग रात को बातें करना शुरू हो गए, बातें करते करते 4 बज गए और लाइट चली गई। तो मैं चलो यार अब सो जाते हैं। अब मैं जब लेटा हूँ सोने के लिए तो लाइट नहीं थी, मतलब पूरे नेबरहुड में लाइट नहीं थी, लेकिन मुझे कमरा पूरा नज़र आ रहा था। मतलब इस तरह होता है कि अगर आपके कमरे की लाइट ऑफ है लेकिन बाहर से भी लाइट आ रही हो तो कमरा थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, उस तरह मुझे नज़र आ रहा था। अब मैं लेटा हूँ तो मैंने ऊपर देखा कि पंखे के ऊपर एक कोई ब्लैक सी चीज़ बैठी हुई है। तो मैंने अपने कज़न्स को बोला ये क्या, ये ऊपर क्या है? तो उन्होंने बोला कहाँ पे? मैंने बोला पंखे पे। बोले तुझे पंखा भी नज़र आ रहा है, इतना अंधेरा है तुझे पंखा किसा नज़र आ रहा है? उस चीज़ भी बैठी हुई नज़र आ रही है। मैंने बोला यार ये है कुछ देखो। तो उन्होंने खैर टॉर्च वगैरह उनकी तो कुछ भी नहीं था। अच्छा मैंने बोला चलो यार कोई पता नहीं क्या है। खैर हम वापस लेट गए तो मैंने देखा कि वो जो ब्लैक चीज़ बैठी हुई थी, मतलब वो इस टाइप की थी, ब्लैक स्मोक की बनी हुई थी, ब्लैक स्मोक जिस तरह होती है वो ज़्यादा होती गई और वो बिल्कुल मतलब छत पे गोल गोल घूम रही हैं पंखे के इर्द गिर्द। और मैंने ये देखा, मैंने बोला यार टॉर्च ऑन करो ज़रा, तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने टॉर्च ऑन की तो कुछ भी नहीं। खैर मैंने उनको बोला रातुल कुर्सी पढ़ो, मैंने खुद भी पढ़ी। तो मैं लेट गया और उसके बाद वो जो चीज़ें थी वो बड़ी होती गई, मतलब तो काफ़ी लंबी लंबी हो गई और वो कमरे की चारों तरफ अंदर अंदर घूम रही थी, भाग रही थी दीवारों पे। अच्छा मैं आयतुल कुर्सी तो पढ़ ही रहा था लेकिन इतनी देर में मैं था विंडो वाली साइड पे लेटा हुआ, तो मैंने देखा कि दो बड़े बड़े साए हैं, साए नहीं कह सकते, वही ब्लैक स्मोक के बने हुए कोई चीज़ है शेप, और वो दीवार के अंदर से पेनिट्रेट करके कमरे के अंदर आए हैं। तो ये देख के मैं डर गया। मैंने बोला यार सूर्य बकरा लगाओ। खैर उन्होंने सूर्य बकरा लगाई तो वो सारे इधर उधर हो गया और एक साया मैंने देखा वो वापस पेनिट्रेट करके बाहर चला गया। खैर हम फिर मैं सो गया। अब ख्वाब में मेरे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे जिन लगे हैं और वो ऐसा खौफ था कि मतलब ऐसे खौफ से, मतलब अगर बंदा सो रहा हो तो वो उठ जाता है, क्योंकि मैं नहीं था। वो वाला खौफ इतना, मैं उस टाइप का खौफ मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, बहुत अजीब सा और बहुत ज़्यादा ही कोई खौफनाक फीलिंग थी वो। मेरे पीछे जिन लगे अगर मैं भाग रहा हूँ इस तरह वगैरह सारा कुछ। फिर मैं एक जगह गया और वहाँ मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और वहाँ पे 4 चुड़ैले हैं और उनकी मैंने शक्ल भी देखी और वो इस तरह की थी कि मतलब ना आँखें ना नाक, तो गंदा सा मुंह, ब्लैक और रेड कलर के दांत, लंबे लंबे और छोटे छोटे बाल थे उनके, और पतली सी थी, बहुत पतली और लंबी लंबी थी, और उनकी टांगें नहीं नज़र आ रही थी, और बाजू मैंने उनके देखे थे वो ऐसे थे कि जैसे ये दरख्त की शाखें होती हैं, मतलब अगर पत्ते ना हो तो उस तरह के उनके बाजू थे।
तो वो मेरे पेरेंट्स को खा रही हैं, मतलब उनके बाजू काटे हुए हैं, हाथ पांव काटे हुए हैं, और मतलब वो बहुत ज़्यादा ही खौफ था। और वो जब मेरी तरफ आती थी, मतलब कहीं दूर से मैं देख रहा हूँ ख्वाब में, तो रास्ते में जो जो लोग हैं उनके मतलब सर खाते हुए आते थे मेरी तरफ चीखते हुए। तो इतना गंदा खौफ था, लेकिन मैं नहीं उठा था, मैं सो ही पड़ा था। तो फिर आके मेरे पेरेंट्स को खा रही हैं और मैं बैठ के रो रहा हूँ। फिर वो आई हैं और उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा होता है कि तुम छुप नहीं सकते, उनसे सही तरह छुप के दिखाओ। और इसके बाद मेरी आँख खुल गई, इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। खैर मैं जिनसे इलाज करवा रहा हूँ, दोबारा उनके पास गया, उन्होंने बताया यार इस हो रहा है। तो उन्होंने कोई मेंशन किया, पानी दिया जाने के लिए। तो मेरे फादर ने उनको बोला यार कोई तवीज़ दे दें आप, आखिर मतलब कोई मतलब इसे कंट्रोल में। उन्होंने बोला मैं जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दें, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको तवीज़ दे दूँगा। जब मैं घर आ गया, लेकिन वो चीज़ें बाकी इस की हो रही थी। तो हमारे मोहल्ले के एक इमाम साहब है, उनके पास चले गए, तो उन्होंने मुझे एक तवीज़ दे दिया। मैंने बोला चलो एटलीस्ट बेटा आप इससे डरोगे नहीं। वो मैंने पहन लिया, मैं रात हो गया। अब ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ है, जिन कह लें उसको या कुछ भी कह लें, अब ढेर सारे लोगों को मतलब सारे मर्द हैं उनको लाइन में लगाया हुआ है। और उनसे पूछे कि तुम मुसलमान हो, और वो सारे कह रहे हैं मुसलमान हो। तो बारी बारी मतलब उसका बेलचा जो होता है, मजदूर यूज़ करते हैं, उससे इनको लिटा के उनके मतलब गर्दन को इतनी ज़ोर से मारता है कि गर्दन लग जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि यार इसको मैं किस तरह रोकूँ। खैर और मैं लेफ्ट साइड पर देखता हूँ तो वहाँ पे कटे हुए सर पड़े हैं औरतों के, और वो सारे सर जिंदा हैं, खून लथपथ हो रहा है, और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकल रहा है। और वो चीज़ आई है और उसमें मतलब कोई लोहे की चीज़ है, और वो मतलब उनके बिल्कुल अंदर सर के अंदर फंसा के ना, आग के ऊपर से गुजार के पूरा सर एक साथ ही खा रहा है, मतलब एक ही बाइट। अच्छा ये मैंने देखा। उसके बाद वो चीज़ आई है मेरे पास, और मैंने देखा मेरी जेब में एक ब्लैक सी चीज़ है, ब्लैक पत्थर कह लें आप, ब्लैक पत्थर है। और ख्वाब है मेरे जेब में ये है कि जो पत्थर है वो मेरा तवीज़ है जो मुझे काली साहब ने दिया हुआ, और उसने आके वो मेरे से छीन लिया। वो उसने जब छीना तो मेरी आँख खुल गई। तो मैंने देखा मेरी रजाई भी ऊपर से हटी हुई है और इधर गिरी हुई है, सारा टेढ़ा टेढ़ा पड़ा हूँ मैं। तो मैं अपनी रजाई ठीक कर रहा था तो मेरे हाथ में वो पीसी आई थी, मैं यही चीज़ है, तो देखा वो मेरा तवीज़ था, हालांकि मैं पहन के सोया था, तो तकिए बिल्कुल ही साइड पर पड़ा हुआ था। फिर मैं दोबारा पहन के सो गया, और दोबारा उनके पास गया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे फिर फाइनल तवीज़ दे दिया। उन्होंने बोला अभी तवीज़ मैंने लेकिन मेरे पास आते हैं। तो कुछ दिन सुकून रहा, और अभी 2023 का जनवरी स्टार्ट हो चुका था, मतलब मिड कह लें जी, मिड कह लें। तो इसमें होता है कि सुबह मेरी जमा दे रहा हूँ, मुझे खाना आती नमाज के लिए, तो यही बात है, वापस हो जाते लड़के को। तो मैं वापस हो जाता था, फिर बहन आ जाती थी कि यार रुक जाओ नमाज दे दो, निकलने ये वो, तो मैं जाता था। अब मेरे से इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो मेरे जो फादर थे वो मेरे साथ आके सोना शुरू हो गया। तो मैं लेटा हुआ था और मेरी बहन आई, बोला कि आज से उठ जाओ। तो मैंने बोला क्या है, बोलती उठ जाओ। बोला अच्छा उठ रहा हूँ, मुझे लगा नमाज के लिए उठा दिया। मैं वापस सो गया, और वो मेरी बहन दोबारा आई, बोला आज से उठ जाओ ना। मैं उठ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद वो आई और गुस्से से कहती है कि उठ जाओ, तो मैं कितनी दफ़ा उठाऊँ, मैं कब से उठा रही हूँ, और ना भी कहीं बोल दो। मैं बोला अच्छा, मैं उठ के बैठ गया। तो अब मेरा कमरा जो है वो था टीवी लाउंज के साथ, तो मतलब टीवी लाउंज की लाइट भी ऑन है, और बाहर से मेरी मदर की और बहन की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं चलो मैं उठ जाता हूँ, मैं थोड़ी देर लेटा, मैं थोड़ी सुस्ती दूर हो जाए कि वो जगह की नमाज़ पढ़ता हूँ। मैंने देखा मेरे जो फादर हैं वो सो रहे हैं अंदर। तो मैंने बोला चलो दोबारा सो जाता हूँ, और आते उठेंगे नमाज पढ़ेंगे, तो मुझे भी साथ उठा लेंगे, वो कर लूँगा। मैं वापस सो गया। ख्वाब में चार लड़कियाँ, पहले जो ख्वाब था उसमें चार चुड़ैलें हुई थी, और उसके बाद चार लड़कियाँ थी जो कि ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन उनकी शेप नज़र आ रही थी। और वो डरा रही थी मैं, और मतलब मुझे मेरी फैमिली को, और बस तंग कर रही थी।
और एकदम से उनके सिर्फ हाथ की गली में, और उन्होंने आके मेरे बहन भाइयों को मारना शुरू किया मेरे सामने। तो मैं आगे वहाँ पर नहीं करूँ मतलब बचाने के लिए, तो वो तीनों भागी हैं और एक गिर गई है, जो गिरी है वो गिरते साथ ही एक लड़की की शक्ल में आ गई। अच्छा लड़की की शक्ल में आई है तो मेरी मदर मुझे कहती है कि इसको पानी पिलाओ। तो मैंने बोतल उठाई, गिलास में पानी डाला और मैंने उसका आगे किया, तो कहती है ये क्या? मैंने बोला ये गिलास है, पानी है इसमें, पीना आप लेकिन गिलास कर क्या? तो फिर उसने इशारे किया कि जो बॉटल है ना उससे पानी मेरी गर्दन पर डालो। तो मैंने बोला अच्छा, मैं बोतल से उनकी गर्दन पर पानी डाल रहा था तो वो जो लड़की थी उसने अपनी गर्दन लंबी की और अपने गले के ऊपर से ही अपने होंठों से पानी पीना शुरू कर दिया। ये देख के मैं डरा और मैं उठ गया। तो मैंने आती कुर्सी वगैरह पड़ी जो फूल शूल आते थे वो पड़े। फिर मुझे याद आया कि वो यार मैं तो सो गया था, नमाज के लिए खा के गए थे घर वाले, लेकिन मैंने देखा मेरे फादर अभी तक सो रहे हैं और भाई की लाइट भी ऑफ है, कोई बाहर से आवाज़ भी नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि यार सारी नमाज पढ़ के सो गए, मैं रह गया तो मैं नहीं उठाऊँगा। तो मैंने बोला चलो टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम आया तो नमाज पढ़ लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मैंने 4:15 बजे, तो उस टाइम कोई भी नहीं था, मतलब आज के टाइम से 6 बजे के करीब है। तो ये हिसाब किया और फिर मैं वापस आ गया अपना हॉस्टल में। तो देखा आगे क्या होता है, फिलहाल मेरी ये स्टोरी थी, मैं सोचना शुरू कर दूँ कि मैं यहाँ पर जाने की सोच नहीं कर लेता हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी शुरू कर दूँ। ऑलराइट, खैर जी, तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का हमारा प्रोग्राम हो चुका है। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ, और हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाज, कैसे हैं मिनाज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप बताइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज भाई आज जो मैंने स्टोरी बतानी है, यानी वो ऐसी है कि मैं वो देखने के बाद आज मुझे दूसरा दिन है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। लेट नाइट हॉरर शो का कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जो मिस नहीं करता, लेकिन 2 दिन से मैं ये भी नहीं सुन रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके अब्बू ना यानी गति नशीन है, और वो इस तरह जैसे इस पे साया वगैरह हो ना तो वो दूर वगैरह भी करते हैं ना। तो मेरे फ्रेंड की मेरे पास कॉल आई कि हेलो जी बोलिए सुन रहा हूँ जी बोलिए। हाँ मेरे फ्रेंड की मेरे पास कॉल आई कि अगर हो सकता है तो हाई रूफ वगैरह लेकर आ सकते हो, मेमन गोट तक जाना है ना, अबू ने बुलाया। तो हम लोग गए मिनाज भाई, मैं किसी यानी रिलीजन का नाम नहीं लूंगा लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स हैं, और न्यू ईयर पे उनका जैसे हमारी ईद होती है उनका कोई फेस्टिवल होता है जिसमें वो अपने गॉड की क्या कहें यानी बस कुछ रिचुअल वो स्पेल करते हैं। तो उनके बच्चों ने क्या करा कि दूसरे रूम में जब यानी ये हो रहा था तो वो इस चीज़ का बहुत यानी मजाक उड़ा रहे थे, और उन्होंने अपने उससे ना जैसे असल में होता है ना उसको वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस तरह वो उस पर यानी कुछ हाजिरी वगैरह हुई। हम लोग जब उस गली में मेमन गोट में एंटर हुए हैं, वो बाड़े के साथ ही उनका घर है ना, तो मिनाज भाई एंटर होने से पहले ही यानी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे कयामत का माहौल नहीं होता ऐसा, यानी रोना धोना। घर में हम लोग एंटर हुए तो वो तकरीबन 19-20 साल का बच्चा मिनाज भाई, उसको जंजीरों से बांधा हुआ, उसकी एक टांग पूरी टूटी हुई, सही है ना। तो उस यानी जब उसको खड़ा करने के लिए करा तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो उसके वालिद साहब ने बताया ये जब हमारे सामने आया है इसने बाड़े में जानवर पे हमला करा है, तो जानवर ने जब उसको लात मारी थी उसके पैर पे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो वो टूट गई थी। और जब हम उस कमरे में एंटर हुए हैं मिनाज भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, शायद कोई भी ना यकीन करे, जब हमने रूम खोला है तो बिल्ली का बच्चा होता है ना वो उसने अपने मुंह में दबाया हुआ था, सही है, मर गया था वो, और पूरा खून बह रहा था। यानी वो सोच के भी अभी इतनी घिन आती है मिनाज भाई, यानी जो उनके रिलीजन के प्रीस्ट होते हैं वो भी थे, उनसे भी यानी
नहीं हो पाया था, तो जब इन्होंने शुरू करा प्रोसेस, आयत वगैरह पढ़ना शुरू करी है, उसकी जब हाजिरी करवाई है, मिनाज भाई इतनी खौफनाक आवाज़ उस बच्चे की, इतना खूबसूरत लड़का, लेकिन उसके चेहरे पे इतना इविलनेस आई हुई थी। भैया उसने यही बोला कि इसने हमारे धर्म का मजाक बनाया, सही है, इसने वो रिचुअल करा। और ये कहते हैं, उन्होंने बताया था कि हमारे रिलीजन में ये सिर्फ कुछ ना चूजिंग पीपल होते हैं, हर खानदान में से कोई एक आधा होता है जिस पे ये करते हैं, सही है ना। तो इन्होंने खुद पे करने की कोशिश करी, तो वो उनसे स्पेल गलत हो गया उसका, सही है। तो वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं बच्चे को, मिनाज भाई वो, यानी एक सेकंड के लिए तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ऐसा लगा था वो बिल्कुल हवा में हुआ है, सही है। और हम 6-7 बंदे, सही है, हम 7 बंदों का उस 19-20 साल के लड़के को खोलना अजाब हो गया, सही है। वो हमसे काबू नहीं आ रहा, वो हमसे काबू नहीं आ रहा। फिर जैसे वो लकड़ियों की चारपाई, जैसे वो बाड़े में नहीं होती है लकड़ियों से बनी हुई, उससे उसको दबाया है दीवार की तरफ, उससे, यानी आप सोचें, उसको उससे दीवार की तरफ दबाया है। फिर कहीं जाके वो जो इमाम साहब हैं उन्होंने उसका हाथ अपने काबू में करा है, सही है ना। तो फिर उसकी जब हाजिर हुई है, तो उसने बताया कि वो जिन, यानी वो जो उसके अंदर से बात कर रहा था, उसने बोला कि उसकी उम्र 316 साल है, सही है। और उसने बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, सही है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखें ऊपर रोल अप हो गई थी, सही है ना, यानी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह निकले, लेकिन वो इमाम साहब ने उसको ऐसे काबू करा हुआ था कि वो निकल नहीं पा रहा था। वो, यानी बात करते करते उसके मुंह से खून की वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, सही है ना, उसने यूरिन पास करना शुरू कर दिया, सही है ना। लेकिन इतना वो छलने के वो उसमें इतना हम लोगों को मुश्किल हुआ, सही है ना, उसकी आंखें रोल अप हो गई, नाक से पूरा खून वगैरह बहना शुरू हो गया, सही है ना। फिर यानी जब करा, तो उसने बोला कि ये, यानी कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको यानी मार के ही वो करूंगा, जी सही कौन है कह ना। रहा तो था? फिर जब, कौन कह रहा था? यानी उसके अंदर जो जिस चीज ने उसको पोजेस करा हुआ था, सही है ना, कि इसने हमारे धर्म का बहुत मजाक उड़ाया है, ये उसके लफ्ज़ थे, धर्म का मजाक उड़ाया है, सही है ना, इस तरह। तो फिर जब, यानी उसको छोड़ा है, तो वो जैसे जानवर नहीं चलते हैं उस तरह, वो अपोजिट होके, यानी उसकी बेली स्टमक ऊपर की तरफ, हाथ नीचे की तरफ, और एक टांग टूटी भी, वो इस तरह यूं हो गया, उल्टा हो गया, सही है ना। फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी हवा में हो जाएगा, वो ऐसे ऊपर ऊपर छलांगे मारा, सही है ना। फिर उसने, यानी इमाम साहब को मारने की भी कोशिश करी, जबकि उसके जंजीरें वगैरह सब बंधी हुई थी, सही है ना। फिर यानी जब कर करा के हुआ, तो उस पे बात पहुंची के एक जानवर को, मतलब जिबा करके, यानी इस तरह गोश्त, उसने पता नहीं कौन सी जगह बताई थी, मेमन गोट में कोई है कब्रिस्तान ना, वहां पे जाइए कोई स्पेशल लड़क के पास, उस जानवर का गोश्त रखना, सही ना। मिनाज भाई आप यकीन करें, उसने ये सारी बात हुई, लेकिन उसने जिस्म से निकलते वक्त ना, उसने जब अपना जोर लगाया ना, तो उसने बताया कि मैंने इसके दिल में, इसकी रीढ़ की हड्डी में, इसके गुर्दों में, इसके घुटनों में, हर जगह, यानी वो अपने जमाने में इमाम साहब बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया इसके अंदरूनी, जैसे वो करते होंगे जिन्नात ना, तो उसने, कह रहे हैं, उसके पूरे जिस्म में कीलें ठोकी हुई है, उसको इतना अपने काबू में करा हुआ है कि पूरे जिस्म में उसके कीलें ठोकी हुई है अंदर से, सही है ना। तो यानी तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद वो निकल, यानी जब वो निकला है ना, तो उन्होंने बोला कि कोई निशानी, हाँ कुछ यही बोला था कि छोड़ने की निशानी देकर जाओ कि तुम इसको छोड़ रहे हो, सही ना। तो जाते हुए उसने अपनी निशानी ये थी, जिस चारपाई से हमने उसको दबाया था ना, उस जिन ने वो चारपाई उठा के फेंकी, वो निकल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह माफ करे मिनाज भाई, वो बच्चा ये इतनी तकलीफ ना सरवाइव नहीं कर पाया, यानी उस जिन निकलने के बाद उसके सिर्फ मुंह से अपने अब्बू का अब्बा लफ्ज निकला था, और बेचारा वो वहीं फौत हो गया। उस जिन ने उसको छोड़ा, लेकिन वो उसने उसको इतनी तकलीफ उसको दे दी थी कि वो नन्ही सी जान बेचारा इतनी वो बर्दाश्त नहीं कर सका, जो इतनी तकलीफ, उसकी पैर टूटा हुआ, पता नहीं जिस्म के कौन कौन से हड्डियां टूटी हुई, जानवर कच्चे उसने खाए हुए थे। वो जिन ने तो उसको छोड़ा, लेकिन वो जो उसने बोला था ना, वो बेचारा मर गया। और यकीन माने, 2 दिन से अभी शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने देखा है, सही ना, आंखों से देखा हुआ बहुत ही एक अलग होता है। मिनाज भाई, खूबसूरत लड़के के मुंह में जानवर जिसको वो खा रहा है, और उसके मुंह से उसका खून निकल रहा है, बहुत टेरिफाइंग था ये सब, सही ना। और बस, मुझे बताएगा और मुझे बताएगा कि कि ये ये
इस लड़के के साथ इस अभी लड़के के साथ फर्स्ट टाइम ये अभी हुआ था या फर्स्ट टाइम पहले ये भी कोई हुआ था या हिस्ट्री थी? पहले भी कोई हिस्ट्री थी? ये फर्स्ट टाइम इनके साथ हुआ है, यानी जैसे हम मना जो हम लोगों की ईद होती है ना, इस तरह हाँ इनका कोई फेस्टिवल होता है, उसमें सारे ये यानी उनके रिलीजन के जमा होते हैं, वो अपने गॉड के सामने प्रे करते हैं ना। तो उन्होंने बताया था कि इस दिन, सही है ना, कोई एक स्पेसिफाइड बंदा होता है, उसके ऊपर किसी की हाजिरी होती है ना, उनके गॉड की, वो कहते हैं कि हमारा गॉड है, उसकी हाजिरी होती है बंदे पे कुछ देर के लिए ना, तो वो यानी हिलता है, इस तरह करता है। तो ये लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, सही है ना, और खुद यानी जो वो लव्स बोलते हैं, मतलब जिस तरह उस अपने ऊपर हाजिरी करवाने के लिए, तो ये लोग वो सब भी कर रहे थे, लड़के अलग रूम में बैठ के, सही है ना। तो वो इन्होंने, अब उसके रिलीजन का था तो उसको यानी पता तो था, लेकिन वो पढ़ा, उसने उससे कुछ गलती हो गई क्या, तो वो उस पे हाजिरी तो हुई, लेकिन वो किसी और चीज ने उसको पकड़ लिया था, कोई ओके और उसका उस वो हो गया था। तो तकरीबन तकरीबन हम जब ने जब बताया था, तो 160 किले उस जिन ने उस बच्चे के जिस्म में मारी थी, गुर्दों 160 में, किले 160 किले गुर्दों में, फेफड़ों में, सही है ना, घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में, पूरे जिस्म में। यानी जब उन्होंने बोला ना कि इसको, इस बच्चे को आजाद कर, जो जो तूने इसका नुकसान करा है, दिमाग इसका खोल, वो सब ना, तो वो अपने जिस्म को, जैसे हम लोग कपड़े नहीं झाड़ते हैं, तो उस वक्त वो यूं 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 कर रहा था ना, तो इमाम साहब ने बोला कितनी है सब निकाल, उसने बोला 160 या 162 किले हैं। उसने यानी जब उसको पोजेस करा हुआ, तो 160 162 किले उसने उस बच्चे को मारी थी उस जिन ने। यानी वो ऐसे मारते हैं कि हम आंखों से इंसान तो नहीं देख सकता, सही है ना, लेकिन वो उन्होंने इस तरह मारी भी होती है कि वो अंदर बंदे को तकलीफ उतनी हो रही होती है, सही है ना। तो जिन ने जब उसको छोड़ा, उस वक्त जब जिन ने उसको पोजेस करा हुआ होता है, तब तो वो जिन की ताकत होती है, लेकिन जब जिन ने उसको छोड़ा, सही है ना, तो वो तकलीफ नहीं झेल पाया जो उसने उसको दी थी, तो उससे उसकी डेथ हो गई। अल्लाह अल्लाह मगफरत फरमाए। मगफिरत फरमाए। बस यही थैंक यू मैसेज है मिन्हाज थैंक भाई, यू। मैंने तो यही सीखा है कि कोई भी रिलीजन हो ना, सही है ना, आप उसके रिस्पेक्ट करो, सही है ना। देखें एक बिल्कुल छोटा सा उनका छोटा सा 5 मिनट का मजाक हुआ, 6-7 लड़कों का, और किसी मासूम की जान चली गई उसमें। और डेफिनेटली मिन्हाज भाई डेफिनेटली इकलौता बच्चा घर का, मिन्हाज भाई, उसके बोल रहा हूँ ना, उसके घर में कयामत का आलम हुआ हुआ था, बिल्कुल बहुत बहुत इकलौता बच्चा शुक्रिया घर का। अरबाज, बहुत शुक्रिया अरबाज, थैंक यू बिल्कुल सो मिन्हाज मच, भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल इंशाल्लाह रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल मिन्हाज अल्लाह भाई, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। खैर जी, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, पोस्ट अनोनिमस ही रखिएगा। हॉरर स्टोरीज तो काफ़ी सुनने सुनाने का तजुर्बा रहा है, लेकिन खुद पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो कुछ अलग नौइयत का है। मुझे अपना MBBS करने के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा था, तो मैं हॉस्टल में रहने लगी। मैं शेयर्ड रूम में नहीं रहती थी। फर्स्ट ईयर की बात है, शाम में हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ एक बस आती थी जिस पे हम बैठकर फिर मॉल चले जाया करते थे हफ्ते में एक दफा। तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद कोई 1 घंटे का ब्रेक था और फिर मैंने जाना था बस में। ये टाइम गुजारते गुजारते मेरी आंख लग गई। मैं अपने बिस्तर के फुट एंड पे तकिया रख के लेटी हुई थी। अब ऐसा मुझे फील हुआ जैसे मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही। मैंने अपना सर हिलाने की कोशिश की, हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। ऐसा मेरे साथ कभी पहले नहीं हुआ था। मैं बहुत घबरा गई, लेकिन कुछ ही देर में जैसे मेरी आंख खुल गई, या मैं बस उस ट्रांस से खुद ही निकल आई। ये पहला स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड था जो बहुत प्लेन और सिंपल था। इसके बाद और जितने मैंने एक्सपीरियंसेस किए उनमें एक हॉरर वाइब मौजूद थी। कभी कोई बंदा, कभी कोई साया, कभी कोई आवाज। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी बिस्तर पे और मैं अपने सराउंडिंग से वाकिफ हूं। लाइट्स बंद थी कमरे की,
और जैसे ही मैं सो गई या उस सेमी कॉन्शियस स्टेट में हूँ जिसमें फिर दोबारा मैं मूव नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी, डिस्पाइट ट्राइंग अ लॉट, एक उंगली भी मूव नहीं कर पा रही थी, एकदम से मुझ पे खौफ तारी होना शुरू हुआ। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मुझे बकायदा फील हुआ जैसे कोई मेरे पास आके बैठा है, बकायदा मेरा गद्दा प्रेस हुआ है जैसे किसी का वजन उस पर पड़ा हो, वैसे मेरे फुट एंड से मैट्रेस प्रेस हुआ। फिर ऐसा होता गया जैसे कोई बिस्तर के चारों तरफ घूम रहा है और मेरे ऊपर आके मुझे तक रहा है। मैंने डर के मारे आंखें ही नहीं खोली कि कहीं कुछ ऐसा ना देख लूं कि भुला ना पाऊं। इतनी देर में मुझे एहसास हुआ कि मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ये ट्रांस खत्म हो गया और मैं पूरा मूव कर सकती थी। ये ख्वाब नहीं थे, इतना मैं बता सकती हूं, क्योंकि विद टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करती हूँ तो मेरा स्लीप पैरालिसिस खत्म होने लगता है और इतने फ्रीक्वेंट होते गए कि जैसे ही स्टार्ट होता था तो मुझे एहसास हो जाता था कि ये ख्वाब नहीं है और मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन स्लीप पैरालिसिस का वाकया सिर्फ एक ही था, बाकी जितने भी वाकया थे उसके अंदर मैंने बाकायदा किसी को अपने कमरे में महसूस किया है, कोई मेरे पास आके बैठ जाया करता था। ऐसा लगता था कि जब मैं अपनी आंखें कस के डर के मारे बंद करके रखी होती थी तो कोई मेरे ऊपर खड़ा हुआ मुझे तक रहा है। सुनने में आता है कि मुझसे पहले जो स्टूडेंट उस कमरे में रहती थी वो भी इस कमरे को इसी वजह से खाली करके गई थी कि उसको भी रात को इसी बात का खौफ होता था कि शायद उसके अलावा कमरे में कोई है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या सच्चाई है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो चुका है। तमाम मेंबर्स जो जो मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो में शामिल होने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर दिए गए लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक और कॉलर, होपफुली अभी तक मौजूद हो, इनको शामिल करते हैं। किस्सा, अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिनासर, मेरी एक स्टोरी है, मैंने आपको कल भी कॉल की थी तो वो स्टोरी मैंने शेयर नहीं की थी, वो थोड़ी लंबी स्टोरी है लेकिन वो बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है जो आज से 2 साल पहले मेरे साथ हुआ था, मेरी पूरी फैमिली के साथ हुआ था वो वाकया। तो हुआ ये था कि मेरी एक मुबानी है, उनके ऊपर हाजिरी आती है किसी बुजुर्ग की। सही। वो सेवन, हम लोग कुछ टाइम पहले सेवन गए थे तो वहाँ से वो कहती थी कि हमें जो है ना कुछ चीज़ मिली थी जिससे मतलब वो उनके ऊपर हाजिरी आती थी, बाकायदा हमने खुद आँखों से देखा था अपनी। तो बुजुर्ग आते थे तो मतलब बस जैसे वेट करती थी वो अल्लाह का, इस तरह उनका स्टार्ट होता था, फिर वो हाजिरी उन पर आती थी। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ बचपन से है कि मुझे ये चीज़ें फील हो जाती हैं और मुझे ख्वाब के ज़रिए ना कुछ प्रेडिक्शंस हो जाती हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले, मैं अपना एज इट इज़ मतलब मगरिब से कुछ टाइम के बाद मैं सो गई थी, घर में कोई था नहीं उस वक्त मौजूद। तो मैंने एक मतलब मैं अपना सो ही रही थी, एक गनूदगी के टाइप में थी मैं ना, तो मैंने ऐसे देखा कि कोई औरत है, मतलब उसके पैर उल्टे हैं और मतलब वो मेरी तरफ चढ़ती हुई आ रही है और मेरी आंखें मतलब मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, मेरी जो आंखें हैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हूँ, मेरा जिस्म बहुत हैवी सा होता जा रहा है और वो मेरे ऊपर आके ना मेरे सीने के ऊपर आके चढ़ के बैठ गई है, लेकिन उसका मुझे मुंह नज़र नहीं आ रहा था ना, मतलब पूरे काले उसके बाल थे। तो अचानक से मेरे साथ ये होता है कि मैं जो है ना गुनूदगी में ज़ोर से कहती हूँ ना, जैसे या अली मदद, इस तरह मैं कहती हूँ ज़ोर से,
तो वो जो बोझ होता है मेरे ऊपर हल्का हल्का होने लगता है, और ऐसा लगता है किसी ने मेरे ऊपर ना थूका है, मेरे ऊपर ना चेहरे के ऊपर, तो बकायदा मुझे फील होता है वो चीज़ आके मेरे मुंह पे, मतलब जो है ना गाल के ऊपर, इस तरह फील होता है मुझे। मैं अचानक से जागती हूँ तो कोई होता नहीं है, मैं बेसिकली सो नहीं रही होती हूँ, वो मेरी गलौदगी वाली हालत होती है, बट मेरी बॉडी इतनी हैवी हो रही होती है, इतनी भारी होती है, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही होती कंडीशन। तो उन दिनों हमारी मुमानी हमारे घर में रहने आई हुई थी, तो उनकी इसी तरह हाजिरी हुई थी। तो अब वो, मैंने ये ख्वाब अपना किसी को मतलब बताया नहीं था कि मेरे साथ ये परेशानी हुई है, और उन दिनों मेरे साथ इस तरह हो रहा था कि मैं बैठी हुई होती थी अपने रूम में, कोई भी चीज़ बैठे, मतलब मेरी स्टडी टेबल थी उससे गिर जाया करती थी। मैं बहुत हैरान होती थी कि एक चीज़ रखी हुई, एक हेयर बैंड या कुछ भी, इस तरह अचानक से खुद ही गिर जाया करती थी मेरे कमरे में ना चीज़ें इस तरह। तो उन बुज़ुर्ग ने मुझसे ये बात खुद पूछी कि तुम उस चीज़ की वजह से परेशान हो जो तुम्हें आके मतलब तंग कर रही है। तो अब मुझे नहीं पता कि कोई इसको हकीकत माने कि या ना माने, क्योंकि इस तरह लोग कहते हैं कि हाजिरियाँ दी होती हैं लोगों पे। तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ लिख के दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ बार बार जो है ना तंग कर रही थी इस तरह आके, अलग अलग बेसिस में आके ना। तो मैं बहुत डर गई थी, इवन कि मैं कुरान साथ लेके सोने लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ से। तो फिर मुझे उन्होंने मना किया कि कुरान इस तरह साथ नहीं लेके सो, क्योंकि गुना होता है, कुरान एक बेअदबी होती है। उन्होंने मुझे एक तावीज़ लिख के दिया, उन्होंने कहा कि इसको किसी भारी चीज़ के नीचे रख देना। वो उन्होंने, उन बुज़ुर्ग ने अपनी हाजिरी में ही लिख के दिया, मतलब मेरी नुमानी के ऊपर वो उस वक्त हाजिर थे। तो उन्होंने, जब मैंने वो तावीज़ अपने कबर्ट में सबसे जो नीचे मेरी कमीज थी उसके नीचे मैंने दबा के सेव करके रख दिया, उन्होंने कहा इसको देखना नहीं। तो कुछ टाइम तक मुझे वो मतलब जो है ना ख्वाब में या इस तरह कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मैं रिलैक्स थी। लेकिन अचानक से एक दफ़ा ये हुआ कि शबे बारात की रात थी, हम लोग अपना अमाल कर रहे थे, मैं, मेरी मुमानी और मेरी अम्मी और मेरी मुमानी की मदर। तो मैं बैठी भी साथ कुरान पढ़ रही थी, तो मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। अचानक से मेरी मुमानी जो है स्ट्रेट होके लेट गई, और वो अचानक से भजन गाने लग गई, उनकी आंखें बंद थी एकदम ना। तो मैं बहुत डरने लग गई कि इनके साथ हो क्या रहा है। वो जो चुड़ैल थी, उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ है वो उनके ऊपर उसने मतलब जो है ना अटैक कर दिया था, मतलब उनके जिस्म में वो आ गई थी। तो अब वो हमारे साथ, हमें हैरान कि भजन कैसे गा रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर मुस्लिम, तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, बाकायदा मैं तेज़ आवाज़ में कुरान पढ़ने लग गई ना कि वो मेरा दिमाग डाइवर्ट ना करे। तो बाकायदा अजीबोगरीब आवाज़ में हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, मेरे साथ वो चीज़ रिपीट कर रही थी उस कुरान की सूरह को, कहने लगी मेरा इससे कुछ भी नहीं असर हो रहा ना, मतलब मुझ पर कुछ भी इस चीज़ का असर नहीं हो रहा, तुम जितना पढ़ना चाहती हो ना पढ़ो। इस चीज़ में वो बहुत डर गई, मैं जाहिर सी बात है बच्ची थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे रूम से बाहर जाने का कहा ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो ऐसा होने लगा कि रोज़, अब एक हफ्ते तक मेरी मुमारी ने हमारे यहाँ स्टे किया हुआ था। तो उन बुज़ुर्ग ने बात बताया था कि हमारे यहाँ एक एक बिल्ली थी, हमने एक पर्शियन कैट पाली थी। तो उन्होंने कहा था ये इस बिल्ली के मतलब जो है ना, इस बिल्ली के अंदर रह के वो इस घर तक आई है, मतलब पीछे आई है वो, और वो इस बच्ची के पीछे आई है ना, वो उसके ऊपर हाजिर होना चाहती है। तो उन्होंने वो तावीज़ ही मुझे इस हिफाजत के लिए दिया था कि वो मुझ पर अटैक ना कर सके, क्योंकि जो ना इस तरह मेरे साथ कंडीशंस हो रही थी कि इवन कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कि मैंने आपको बताया कुरान लेके मैं साथ सोया करती थी। तो हुआ ये कि जब इस तरह हमारे साथ कंडीशन होने लगी, बकायदा उनकी आंखें बंद होती थी, उनका फेस इतना ब्लैक हो जाता था, और वो उनकी आंखों में जो एक कहते हैं ना पुतली टाइप की, मैं जहाँ मूव करती थी ना वो आंखें उस तरफ मूव कर रही होती थी, मतलब वो मुझे देख रही होती थी और हंस रही होती थी, मतलब आगे दीवारों पे, मतलब इस तरह वो अपनी पोजीशन करती थी, नुमानी जो होती थी मेरी जब उनके वो चीज़ हाजिर होती थी, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करती थी, मेरी अम्मी ने उनको पकड़ा होता था, तो बहुत बुरे तरीके से अपने आप को ना मार रही होती थी, मतलब इस तरह कर रही होती थी। और आधा आधा घंटा गुजर जाता था वो चीज़ उनमें बैठी रहती थी, क्योंकि हम लोग को इस आइडिया नहीं था कि हम इसको किस तरह हटाएं या भगाएं, कुछ भी करें, आलिम वगैरह इस तरह थे नहीं। और वो चाहे जब उसका दिल करे ना आ जाती थी वो चीज़ों पे, चाहे वो लेट नाइट हो या दिन का वक्त हो या कुछ भी हो। तो शबे बारात वाले दिन इस तरह हुआ कि वो चीज़ उन पर 3 दफ़ा इस तरह आई, अलग अलग जो है ना टाइमिंग में, और वो यही करती रही, या तो भजन गाती रही या हमें जो है इबादत से ना दूर करती रही, मतलब पढ़ने नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं करने दे रही थी ना। तो फिर जब वो अचानक से वो ये कहती थी, अब मुझे नहीं समझ आता था कि उस वक्त क्या हो रहा है, वो अचानक से बस ये कहती थी कि जो है ना किसी का नाम लेती थी वो, कि जलाली तो मुझे छोड़ दे, इस तरह ना वो कहती थी, चिल्लाती थी कि मुझे छोड़ दे, उसकी आवाज़ बहुत इस तरह तकलीफ़ वाली हो जाती थी उस चुड़ैल की, कि मुझे छोड़ दे।
अब मुझे नहीं पता कि जो मेरी मानी के साथ जो बुजुर्ग थे वो आके उस चीज को दूर करते थे, हेल्प करते थे, क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये चिल्लाती थी कि मुझे छोड़ दे जलाली, इस तरह बस वो जलाली नाम लेती थी ना। अब वो मेरी अम्मी की तरफ देख के कहती थी कि मैं सौरभ को नहीं छोड़ूंगी, ये बहुत पढ़ाइयाँ करती, ये अपनी बेटी को बचाती है ना इस तरह पढ़ाइयाँ करके। तो जब ये 15 दिन मुसलसल चलता रहा, मेरी मानी के ऊपर उस चीज़ की हाजिरी आती रही सौरभ की, तो एंड टाइम पे उन बुजुर्ग ने, मतलब वो बुजुर्ग हमसे बातें भी किया करते थे जब उनकी हाजिरी आया करती थी, तो वो हमें कहते थे कि मैं जो है ना लाश आबाज के अंदर से आता हूँ, तो ये वहाँ पे आई थी इस तरह। तो मेरी मानी वहाँ जाती रहती थी ना, तो बहुत मतलब इस तरह उनका अकीदा था, वो तकरीबन 6-7 साल हो गए थे उनकी शादी, वो बेऔलाद थी। तो बाकायदा उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं इनके साथ आया हूँ, ये वहाँ बहुत दुआएं करती थी इस तरह ना, बहुत आती थी, तो मैं इसकी हिफाजत के लिए आया हूँ। तो और ये उन्होंने हमें बुजुर्ग जो बताया आए कि थे ये आउट ऑफ द ब्लू आए थे, ये मतलब इस तरह होता था, ये जब फर्स्ट टाइम आए थे, मैं ऐसे हम लोग लाश बस के अंदर से आके बैठे थे, मैं और मेरी मानी बैठे हुए थे, अचानक से मैं अपना मोबाइल यूज कर रही थी नॉर्मली, ये उठ के बैठी है, इन्होंने अपने सर पे मतलब अपना सर झुकाया है और दुपट्टा अपने आगे डाला, और जैसे खाना खाते हैं ना उस तरह बैठी हूँ, जोर जोर से ये अल्लाह अल्लाह करने लगी। मैं परेशान हो गई, ये अल्लाह अल्लाह करने के बाद ये मेरे रूम में खड़ी हुई, और जैसे चलते हैं ना बेढाल चाल होती है, गिर रही है, संभल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रही है मेहमानी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अब वो चल रही है, चल रही है, गुस्से में चल रही है, बहुत शदीद गुस्से में ना, तो एकदम से रुक गई दीवार के पास आके ना, तो कह रहे हैं अचानक से बहुत हैवी आवाज में, उन्होंने कहा कि ये घर नजिस है। मैंने आपको बताया था ना पहले जिस घर में रहते थे वहाँ कब्रिस्तान था, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे मुर्दे नजर आ रहे हैं बहुत। मैंने कहा मेहमानी जान आप क्या बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने अचानक से झाड़ दिया कि चुप कर ना इस तरह, चुप कर इस तरह। मैंने कहा आप हैं कौन, तो उन्होंने कहा मैं तुझे क्यों बताऊँ मैं कौन हूँ। पहले उन्होंने बहुत ही मतलब गुस्से में बात किया, अब मुझे नहीं पता कि वो जलाल में थे क्या थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो उन्होंने कहा कि इस घर में मतलब निजासत बहुत है ना, इस तरह उन्होंने कहा, क्योंकि हमने पैट्स वगैरह पाले हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इस घर में एक चीज़ है जो इस बच्ची के पीछे आई है। उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ या वो चीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो फिर मेरी वालदा ने मुझसे पूछा कि ऐसा वाकई में, मैंने उनको बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से ना, कि कुछ चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ, इसलिए मैं कुरान लेके साथ सो रही हूँ। फिर मेरी अम्मी मेरे साथ सोने लगी ना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, कि इवन कि मेरे साथ दूसरी सेकेंड टाइम जब मेरे साथ ये हुआ ना कि मैं लेटी हुई थी और मैं रूम लॉक करके लेटी थी, मेरी हमेशा आदत थी मैं अकेले ही सोती थी हमेशा से बचपन से, तो जब मैं अगले दिन मतलब उठी हूँ, 1 घंटे के लिए मेरी ये होता था कि मैं मगरिब के बाद सोती थी, उठी हूँ मैं दरवाजे के पास पड़ी हुई थी, मैं बहुत हैरान हुई परेशान कि मैं इधर कैसे आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि घसीट के कोई लेके जाता है, मेरा बेड कहाँ मेरा डोर कहाँ, मैं वहां पे पड़ी हूँ। मैं उठ के भागी दरवाजा खोल के बाहर, कि मैंने अम्मी को तब बताया ये बात, और फिर जो है बुजुर्ग जो जो भी थे उन्होंने मुझे तावीज़ लिख के दिया कि आइंदा ये चीज़ तुम्हें तंग नहीं करेगी ज़ाहरी तौर पे, जो जिस तरह ये आ रही है या तुम्हें तंग कर रही है, तो उसने उस तरह तंग नहीं किया मुझे। लेकिन फिर नुमानी जान जो थी वो उन पर हाजिर हो जाया करती थी वो चीज़ ना, मेरी नुमानी पे, लेकिन वो मतलब देखती रहती थी मुझे वो चीज़, मैं कमरे में आ रही हूँ तो मुझे देखती थी, हंसती थी, या हमारी फैमिली में किसी की भी आवाज़ निकाल के हंसती थी, या हमारे घर की डोर बज रही है तो उस वैसी आवाज़ निकाल के हंसती थी, और घंटों बैठी रहती थी ऐसे ही ना, अपना भजरंग गाती रहती थी या कुछ भी, या हम उसके पास इवन के बैठ के तस्बीह पढ़े, नादे अली, मैंने नादे अली तक पढ़ी उसके साथ, वो मुस्कुरा के कहने लगी कि मुझे इस चीज़ का कुछ असर नहीं हुआ और ना मुझे इस चीज़ पर असर हो रहा है। तो हमें उन बुजुर्ग ने बताया था कि ये हिंदू हिंदू चुड़ैल है कोई, उन्होंने कहा था ये मतलब जो है ना ये बहुत पावरफुल, उन्होंने कहा था इसकी पावर बहुत ज़्यादा तेज बहुत है, इसको हम ख़त्म करेंगे, हम इसको जलाएंगे, उन्होंने ये कहा था बुजुर्ग ने ना, कि उन्होंने कहा था हमें इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि उस पर कुछ किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। तो लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा मेरी अम्मी से कहा कि आप एक पानी लिएगा, उस पर उन्होंने उनको कुछ दुआएँ बताई कि आपने ये पढ़ना है, और जब ये चीज़ उस पर आए तो वो बुजुर्ग मतलब जैसे बात थे जब वो चीज़ उन पर होती थी तो वो वैसे तो जाहिर तौर पे नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो उस वक्त जो है ना मदद कर रहे होते थे उनकी, क्योंकि वो चीज़ उनकी मदद के ज़रिए ही ख़त्म होती थी जाती थी, बाकायदा वो नाम लेती थी कि छोड़ दे मुझे जलाली, मैं जो है किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये बोला इस तरह वो बाकायदा नाम ले के कहती थी बुजुर्ग का। तो हुआ ये कि लास्ट टाइम 15 दिन तक यही चलता रहा, उन पर हाजिरी आती रही मेरी, मतलब मुमानी जान इतना उनके जिस्म में दर्द रहने लगा, वो आधे आधे घंटे बेहोश रहती थी हाजिरी के बाद ना उस चुड़ैल की।
क्योंकि वो नुकसान देती थी, अपने आप को मारती थी या इस तरह कुछ हरकतें करती थी, तो हम लोग बैठे रहते थे उनके साथ। अब वो क्या करती थी, मतलब लास्ट टाइम हुआ कि उन्होंने कहा कि आप पानी रखिएगा, जब भी चीज़ आए तो आप इसके ऊपर छिड़काव करिएगा ताकि इसकी ताकत कम हो। अब वो अपना अमल भी जारी रखेंगे जो बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा हम इसको, उन्होंने कहा जो भी उनके साथ या उनके साथी होंगे कुछ भी, और उन्होंने कहा हम इनको इसको ना ख़त्म करेंगे, इसको जलाएंगे। तो वही है कि आधा घंटा तकरीबन 1 घंटा गुजर गया इस चीज़ पे, वो हाजिरी उन पे 1 घंटे तक हाजिरी रही उन पे। और अम्मी ने मुझे कहा कि तुम बाहर चले जाओ रूम से ना, बट आवाज़ें आ रही थी मुझे बाहर, मैं और मेरी खाला बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी खाला बहुत डरती है इन चीज़ों से। तो मेरी अम्मी ही उस कमरे में मौजूद थी सिर्फ, और कोई नहीं था, और मेरी मम्मा नहीं थी। तो तकरीबन ये जब अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी बाकायदा उन बुजुर्ग का नाम ले लेके ना, और मतलब मेरी अम्मी भी अटैक करना करने की कोशिश कर रही थी वो। तो तब मेरे मामू भी गए कमरे में, तो ये हुआ फिर जब उन्होंने, अब मुझे नहीं पता किस तरह उस चीज़ को ख़त्म किया, पढ़ाई की। तकरीबन ये 15 दिन ये अमल रहा, और वो चीज़ मतलब तंग करती रही, हाजिर होती रही। तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि फिर जब जाके अब उसको जलाया, क्या किया क्या नहीं किया, अब वो चीज़ तंग नहीं करती। मतलब 2 साल हो गए इस बात को, लेकिन वो 15 दिन ऐसे गुजरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत डर गई थी, और इवन आपकी कि जो ममानी है उनके साथ क्या हुआ फिर? उनके साथ, मैंने आपको बताया ना, उनके साथ अच्छी चीज़ थी। जब भी वो चीज़ उन पे हाजिर होती थी ना, चुड़ैल जो भी थी, तो वो अच्छी चीज़ उनको बचाया करती थी। वो अच्छी चीज़ जो बुजुर्ग थे ना, वही उस चुड़ैल को ख़त्म, मतलब उस वक्त जो है ना, मतलब जो भी कहें भगा दिया करते थे, या उस टाइम के लिए उसको ख़त्म कर दिया करते थे। लेकिन वो, उन्होंने कहा कि मौजूद इसी कमरे में रहती है और हर वक्त इस बच्ची के साथ ही रहती है। उन्होंने बाकायदा उनको नजर आती थी, उन्होंने बाकायदा मुझे बताया कि वो इस वक्त इस दीवार पे है, या वो इस वक्त तुम्हारे सामने है, मौजूद है, देख रही है इस तरह। और उन्होंने बताया भी कि बहुत ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि मैंने उसको खुद भी देखा था अपनी आंखों से। मतलब मैंने आपको बताया ना कि मेरे ऊपर किसी ने थूका भी इस तरह। जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, जैसे हिंदुओं में, जैसे आपने देखा होगा इनका एक रिचुअल होता है, इनका अलग से एक डांस होता है कुछ, ये जो अपने भगवानों के सामने करते हैं अलग तरीके से इनका होता है, वो उस तरह मेरे सामने बिहेव कर रही थी। और मैं बहुत डर गई थी, मैं दुआएं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मुझसे पढ़ी नहीं जा रही थी, मैं बहुत मतलब निढाल हो गई थी। बस ऐसा हुआ, खुदा ने बचाना था मुझे। मेरे जहन में बस मौला अली सलाम का इस तरह रोज़ा आ गया उनके मेरे जहन में ना, तो वो चीज़ हल्की हल्की ऐसा ऐसा मेरी बॉडी से ना जो जोर था ना कम होता गया। वो बाकायदा मुझे पीछे जाती भी दिख रही थी, और उसके पैर पीछे, तो वो चल भी अजीब तरीके से पीछे बैकवर्ड्स में जा रही थी। मैंने बस कुछ वर्ड्स थे जो नादे अलियन के पढ़े मैंने, और वो चीज जाते जाते उसने बस मेरे मुंह पे थूका, और वो जो है ना गायब हो गई। कभी इस तरह होता था कि मतलब मैं लेटी भी होती थी किसी बच्चे की, मतलब बच्चा होता था जिसका सर नहीं होता था, कभी उस सूरत में आ रही थी, इस तरह मुझे नजर आती थी। फिर वो जब से उन्होंने बुजुर्ग ने तावीज लिख के दिया, तब से मुझे नजर नहीं आई, लेकिन वो मौजूद होती थी। फिर उन्होंने उस चीज को खत्म किया, तो उन्होंने कहा, बस उन्होंने ये बताया कि इस बिल्ली की वजह से ये जो है ना, उसके अंदर घुस के ये जो है ना आपके घर तक आई। और अब ये कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। और अब क्या सिनेरियो है? आप बिल्कुल नॉर्मल है हर चीज? अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे तो मुझे, मैंने आपको बताया, चीज़ें फील होती है, लेकिन इस तरह अब मेरे साथ नहीं होता कि जो मैंने आपको बताया जो चुड़ैल थी वो अब उससे रिलेटेड कुछ नहीं ऐसा होता। चले, जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, होपफुली आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। खैर जी, बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ। नबील सईद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नबील, अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। नबील कैसे साहब, मनोज भाई आप? अलग 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 शुक्र। अल्लाह आप का बताइए, शुक्र। आप आपने सुनाए? किधर ज्वाइन किया है? मैंने कराची से ज्वाइन किया सर। अच्छा जी सर। अच्छा, मेरा मेरा एक वाकया था मेरे ऑफिस का। तो हुआ कुछ ये था कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, इवनिंग शिफ्ट थी मेरी। तो हम लोग की ये रूटीन होती है, जैसे हम ऑफिस में एंटर होते हैं ना अपने प्रेमिसेस के अंदर, अपना खाना वगैरह रखते हैं फ्रिज के अंदर, जी तो वो जगह बेसिकली सेकंड रूम में थी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे ना। हेलो, जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो नॉर्मली जब हम
जाते हैं वहां पे तो सब होते हैं ना, मतलब और स्टाफ से आप मुलाकात करते हैं, जो और भी लोग नजर आ रहे होते हैं, तो वहां पे इत्तेफाक ऐसा हो गया था कि उस दिन कोई था नहीं, मतलब ना जो हमारे कुलीग्स वगैरह होते हैं, तो मैं देर से आया था वहां पे। अब हुआ ये कि जब मैं वहां गया हूँ तो मैंने अच्छी तरह से देखा है कि वहां कोई भी नहीं है, मतलब एक एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस के अंदर आपको किचन लॉबी नजर आ रही होती है, वॉशरूम नजर आ रहा होता है, वो सब बिल्कुल एम्प्टी था, मतलब एक नजर आ रहा था व्यू। तो मैं हुआ ये कि बताने में तो खैर बहुत छोटी सी चीज है, मैं जब अपना खाना अपने फ्रिज के अंदर मैंने रखा है तो ऐसा लगा है कि बाकायदा किसी ने एम्प्टी वॉशरूम के अंदर से रूम का दरवाजा बिल्कुल एक अपनी एक फोर्स के साथ बंद किया है और लॉक किया है, मतलब एक आवाज आती है ना लॉक करने की, उस तरह से। तो वो एक ऐसी फीलिंग थी जब मैंने वो चीज देखी है, या मेरे साथ जब वो इंसिडेंट हैपन हुआ था, तो मैं लिटरली भागा था वहां से ना, यानी एक इतना ज्यादा मेरे ऊपर एक खौफ तारी हो गया था उस वक्त, मतलब मैं बता रहा हूँ मुझे अभी भी एक अजीब सी वो हो रही है। तो अब आप खुद सोचें, जरा अज्यूम करें कि आप एक चीज देख रहे हैं, सामने एक ऐसा रूम है जहाँ पे कोई भी नहीं है, और वहां से अचानक कोई इस तरह से बाकायदा एक रूम बंद करे, या बिल्कुल ऐसी लॉक हो उसके अंदर बाकायदा, तो सोच सकते हैं कि आप किस तरह से आप पर गुजरेगी। और ये दफ्तर है कौन से इलाके में आपका? हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको? जी, मैं पूछूं कि दफ्तर आपका कौन से इलाके में है? सर ये DHA के अंदर एक हमारा ऑफिस है, मतलब था, मतलब अब छोड़ दिया, पहले मैंने काम किया वहां पे, तो अच्छा वहां का ये इंसिडेंट था। अच्छा एक छोटी सी चीज वहीं पर और भी हुई थी मेरे साथ ना, हम लोग खाना खा रहे थे उसी रूम के, मतलब उसी फ्लोर के ऊपर ही, वो हमारा एक डिनर एरिया था, वहां पे हम लोग खाना खा रहे थे, और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये चीज ऐसी होगी, खाने की जो प्लेट थी हमारी टेबल पे रखी हुई वो ऐसी मूव हुई है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कि मैं हैरान रह गया कि ये हुआ क्या है। मतलब मैं उसको नीचे देख रहा हूँ कि ये टेबल तो टेढ़ी नहीं है, या किसी ने कोई अपने पैर से ऊपर नीचे करी हो, वो चीज भी नहीं हुई। मैं अपनी तरफ से उसमें देखना शुरू कर दिया कि शायद हो सकता है कुछ और मसला हो, या वाइब्रेशन वगैरह से कुछ इस तरह हो रहा हो। अच्छा इत्तेफाक से मैं जिसके साथ बैठा हुआ था अपने कुलीग के साथ, उसने वो चीज देखी नहीं थी, अब मैं उसको यकीन दिला रहा हूँ कि भाई इस तरह से हुआ है बकायदा, मैंने खुद देखा है, तो उसको यकीन नहीं आया। पर आज हम लोग खाने में लग गए, इत्तेफाक से 5 मिनट के बाद एग्जैक्टली वही चीज उसके सामने भी हो गई, तो वो भी इतना हैरान हुआ। मैंने कहा मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही भी हुआ था, और बिल्कुल इसी तरह से प्लेट मूव हुई थी जब तुम कहीं और देख रहे थे या बातों में लगे हुए थे। तो खैर हम लोग नीचे गए एडमिन एरिया में, मैंने काफी उनसे इंसिस्ट करी, रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा आप कैमरे दिखा दें और मैं देखना चाह रहा हूँ ये हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो खैर उन्होंने भी दिखाया नहीं, मुझे शो नहीं कराई वीडियो, हो सकता है बाद में शुरू हो जाती या कोई ऐसी वो हो जाती, र्यूमर वगैरह ना फैल जाए, उनको ये डर हो, तो उन्होंने इस चीज को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करा। तो और ये चीज बाकायदा एक, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ही पूछा था कि जैसे आपके कुलीग के साथ हुआ तो और भी इंसिडेंट हुए मुख्तलिफ आपके कलीग्स के साथ? वही मैं बताना चाह रहा था। पहले तो देखिए काफी लोगों ने ना वहां पे मजाक बनाया इस बात को कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और ये प्लेट खाने की मूव हो रही है इस तरह से ना, तो मैं बड़ा वो हुआ, मैं डिसहर्ट हुआ कि यार देखो किसी की बताई हुई चीज को इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, और बताया भी नहीं जा रहा कि इस तरह एग्जैक्टली हुआ भी है, हालांकि हुआ है तो आप CCTV भी नहीं दिखा रहे हमें। बहरहाल वो एक दो दिन 3 दिन मजाक बना, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ऐसा स्टॉप हो गया, और बाकायदा फिर मुझे बाद में पता लगा कि और दूसरों के साथ भी यही चीज छोटी मोटी, मतलब अपनी प्रेजेंस शो कराने वाली होना शुरू हो गई इन लोगों के साथ, और ज्यादा उस पैमाने पे होना शुरू हो गया। मतलब वो तो सेकंड फ्लोर था ना जहाँ पे ये चीज हो रही थी, उसके बाद ये मेन फ्लोर पे भी होना शुरू हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर लोगों को पता चला कि हाँ यार वाकई में ये कुछ था, और फिर बाकायदा ऐसा हुआ था कि एक लाइट का स्विच है, अगर वो कोई ऑन कर रहा है या ऑफ कर रहा है तो वो बाकायदा टक करके स्विच ऑन हो रहा था। तो इस तरह से भी चीजें फिर होना शुरू हुई, तो उन लोगों को पता लगा कि हाँ वाकई में चीजें हैं और कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तो बहरहाल ये छोटे मोटे वाकयात हुए थे हमारे इस ऑफिस में। ओके चल, थैंक यू नबील, टेक थैंक केयर यू एंड सो मच हाफिज, सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज। थैंक यू। और है जनाब, चलें जी बढ़ते हैं अपने एक ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद जो हमारे बाकी कॉलर्स हैं उनको भी शामिल करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं अपनी खाला के घर का एक वाकया बता रही हूँ। उन्होंने जो घर खरीदा था और जिस वक्त देखने गई थी तो मेरी वालदा भी साथ गई थी। तो वहां घर में बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे, अम्मी समझी के पुराने लोग जो रहते थे वो छोड़ गए होंगे। उनकी एक ही बेटी है जो उस वक्त 1.5 साल की थी। शुरू में तो उनको इतना फील नहीं हुआ, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो अकेले खेलती नजर आती। फिर उनके घर के कपड़े गायब होना शुरू हो गए। मैं उस वक्त हिफ्ज करने मदरसे जाती थी। मैंने किसी से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि उस घर में जिन्नात का साया है, इनफैक्ट जिन्नात की पूरी फैमिली है, मगर मेरी खाला ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ये घर 6th फ्लोर पर था और मंजिल का आखिरी घर था। फिर वक्त गुजरता के साथ उनको मजीद फील होना शुरू हो गया। उनके दरवाजे की कुंडियां ऐसे बजती थीं जैसे कोई इंसान दरवाजा खटखटा के जाता हो। उनको बाकायदा दरवाजा बजता हुआ नजर आता था। उनकी अलमारियों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाया करते थे और उनके पैसे भी गायब हो जाते थे। मेरी खाला की आदत थी कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ विर्थ करती रहती थी। उस घर में मैंने उन्होंने 13 साल गुजारे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो वो फौरन से उस घर को चेंज नहीं कर सकती थी। जब 13 साल बाद उनको घर छोड़ने का मौका मिला तो उनके घर में मजीद वहशत फैलने लगी। मेरा अपना आंखों देखा हाल है, ऐसा लगता था कि कोई ताकत है जो उनको जाने नहीं दे रही। बहरहाल अब उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद घर चेंज कर लिया है और अब जो लोग उस घर में आए हैं उन्हें भी सेम वही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑलराइट, एक गलती जो हम सब बड़े कॉमनली कर देते हैं, सब तो नहीं, अमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे शो में या मुख्तलिफ औकात में आप लोगों ने ये वाकया सुना होगा कि हम एक घर में शिफ्ट हुए और उस घर में जिन्नात थे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराना शुरू की और फिर देखते ही देखते किस्से बढ़े, वाकयात बढ़े और एक पॉइंट वो आया कि हमें घर शिफ्ट करना पड़ा। जब घर शिफ्ट करते हैं तो देखें, दो ही लोग होते हैं, एक तो रेंट पे रहने वाले होते हैं और एक होते हैं जो ओनर्स होते हैं। रेंट वाला तो चला जाता है, उसको नहीं मालूम होता कि कौन आने वाला है, कौन रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा उस घर की जो भी हकीकत है वो मालिक मकान को ही बताएगा या फिर स्टेट एजेंट को बता देगा। मालिक मकान वो होता है जिसको हकीकत मालूम होती है, और मालिक मकान से भी ज्यादा हकीकत मालूम होती है उस रियल स्टेट एजेंट को। अक्सर इस तरह के घरों की जो हकीकत होती है उसको छुपा दिया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में ये खबर फैल जाए कि ये घर जिन्नातों वाला है, भूतों वाला है, तो इस घर में कोई नहीं आएगा। चंद कमीशन की खातिर लोगों को ऐसी जगहों की सच्चाई नहीं बताई जाती और फिर मुसीबत सिर्फ उस फैमिली पे आती है जो अभी रहना शुरू होती है। हामिद, अगर आपको आवाज आ रही तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज भाई, कैसे हैं आप? मैं अलग अलग लाख शुक्र, आप बताइए कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस एक वाकया आपसे शेयर करना था। बताइए। रिसेंटली कहीं वाकया है तो मैंने कहा, पहले जब फोन किया था आपको तो उस वक्त थोड़ा सा इसका मामला कुछ चल रहे थे, तो मैंने कहा जब ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा फिर इंशाल्लाह आपसे तफसील से बात करूंगा। तो ये मैं अमेरिका में रहता हूँ और ये वाकया यहीं का है, मेरी जिस स्टेट में रहता हूँ उसका नाम है पेंसिल्वेनिया। सही। तो अब आप ये समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छी जॉब है, अच्छा सारा सेटअप चल रहा है, कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है। और ये वाकया शुरू होता है, आप समझ लीजिए तकरीबन द लास्ट 10-20 डेज ऑफ दिसंबर। यहाँ पे लास्ट जो 10 दिन होते हैं दिसंबर के, उनमें ज़्यादातर छुट्टी होती है क्योंकि वो सारा क्रिसमस का हॉलीडे सीजन होता है, तो कोई ज़्यादातर काम पे आया नहीं होता। तो हमारी कंपनी की छुट्टी थी, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि यार अच्छा टाइम है, जरा बच्चों के साथ थोड़ा घूमे फिरेंगे, कोई इंडोर वाटर पार्क इधर उधर कहीं जाएंगे, यहाँ तो काफ़ी ठंड होती है दिसंबर में।
तो उन्हीं से पहले बस एक दिन मैं उठा सुबह, हालांकि मैं अच्छा खासा फजर के वक्त उठता हूँ, अपना तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, थोड़ी देर फिर सोता हूँ, फिर 8-8:30 बजे काम के लिए उठ के अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो एक दिन मैं उठा तो बस जहन बे इंतहा भारी, सर बिल्कुल बंद, कुछ सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई। तो दैट वॉज द फर्स्ट सिम्टम। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से वो दिन निकाले, एक दो दिन और निकाले, बड़ा चिड़चिड़ापन मिजाज में, इधर उधर बेगम से भी बात उल्टी सीधी हो रही है, अजीब मेरा जहन सर के अंदर बस ऐसी बात कि यार जैसे एक इंसान मायूस नहीं हो जाता हर चीज से, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद एवरीथिंग एंड आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड विद राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इन माय लाइफ। बट उस वक्त यही ब्लीक चीज कि यार क्या हो गया जिंदगी को, जिंदगी पता नहीं अजीब सी हो गई है, यू आर जस्ट स्टक हियर, नॉट बस इस किस्म के थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल मुझे घेर लिया उन्होंने। अच्छा उसके बाद जो 10 दिन थे वो शुरू होगा छुट्टी के, तो उसमें कहीं इधर उधर निकल गया, ये हो गया, बट बच्चों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, टाइम गुजार रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट अंदर जो है वो एक चीज़ है कि कुछ मसला है, तो मतलब एक धड़कन सी लगी हुई है, कोई एंग्जाइटी है, कुछ ऐसी चीज़ है कि यार देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू नो, कभी ये है कि मैं मर जाऊंगा, कभी ये है कि यार ये चीज खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी, मतलब इस तरह का एक माहौल। हाँ तो इतना मैं परेशान था कि एक जब मैं वापस आ रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरी फैमिली बड़ी गाड़ी है मेरे उसमें सो रहे थे, और मैं चला रहा था गाड़ी और मेरे बस आंसू मेरे निकलने शुरू हो गए। मैंने कहा ये अल्लाह ये क्या मुसीबत है, ये क्या मसला है, मतलब इसको हल करते मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन दैट आई एम इन, मतलब ये क्या मैं कोई गोली खाऊं, मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं, आई जस्ट डोंट रियली अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। भारत उस रात को हम सब घर आए और मैं सोने के लिए लेटा, नींद नहीं आई, उठ गया, कभी अपनी छोटी बेटी के कमरे में जाके उसके पास आराम से लेटता हूं, आराम से बैठा हूं उसके पास, उसको आई एम जस्ट वॉचिंग हर स्लीप, आई एम गेटिंग रिलैक्स, फिर मैं इधर उधर चला गया अपने दूसरे बच्चों के कमरे में जस्ट मेक श्योर दे वर ओके, फिर तब रात रहा पूरे घर के अंदर। समझ लीजिए कि तहज्जुद का टाइम हो गया, मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद फिर फजर पढ़ी, और फिर उसके बाद उस वक्त मुझे नींद आई कुछ थोड़ी सी, मेरी तबीयत संभली तो मैं सो गया, पूरी रात का जागा हूँ, उस वक्त सो गया। अब जो अगली चीज़ है वो सारा कुछ मैंने अपने ख्वाब में देखा। तो वल्लाह आलम, जो लोग चाहें यकीन करें, जो लोग चाहें ना यकीन करें, बट जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरा ही घर है, दिन का वक्त है, और मैं अपने घर का मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जैसे वहाँ पे ना एक छोटा सा मतलब एक ड्राइववे सा है, तो वहाँ पे दो इंसान नुमा मतलब चीज मखलूक कुछ खड़े में है, एक गोरा है ठिगने कद का, मोटा, ब्लू जीन्स पहनी हुई है, वाइट उसने शर्ट पहनी हुई है और अजीब से जूते हैं उसके, गंजा है, और वो खड़ा होकर ना मुझे बड़ी काई आंखों से देख रहा है, और उसके साथ ही एक बिल्कुल जैसे साउथ इंडियन टाइप का एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने जीन्स पहनी हुई है, उसकी शर्ट ऊपर बाहर निकली हुई है, और उसकी आंखें वगैरह इतने बाल हैं उसके उसके चेहरे के ऊपर के नाक तक बाल है, मुझे उसकी आंखें वगैरह नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन लोग मिलने के लिए आए, मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ हाथ मिलाने के लिए, तो जो गोरा वाला चीज है वो मुझे देख के कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी, यही तुझे गाड़ के मार दूंगी, ये उससे मुझसे 3 बातें। और ये उर्दू में हो रही बातें? जी जी उर्दू में हो रही, उर्दू। मैंने उसको जवाब दिया कि कसम उस अल्लाह की कि जिसके हाथ में मेरी जान है और तेरी जान है, अगर मेरी आई है तो तू रोक नहीं सकता, और अगर नहीं आई तो तू ला नहीं सकता। और मैं उसकी तरफ, क्योंकि उस वक्त मुझे अंदर से कुछ समझ में आ गया कि चीजें खराब हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आई हैं, तो मैं उसकी तरफ आया, बढ़ा मैं उसको ग्रैब करने के लिए, तो उसके हाथ में कुछ लकड़ी की सी नोकीली सी चीजें थी, उसने मेरी तरफ इशारा करके मुझे घोपने की कोशिश की और भागा वहां से। इसी असना में मैंने जो दूसरा शख्स था उसको पकड़ने की कोशिश की, तो एकदम से उसी वक्त बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं लेटा हुआ हूँ, और अब ये लेटा सो भी रहा हूँ, बेदार भी हूँ, एक बीच की सी कैफियत है, और मेरे मुंह से कुरान शरीफ निकलना शुरू हो गया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, और मुझे पीछे से जैसे बता रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ो, वो उन चीज़ों को बे इंतहा बुरी लगती है। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, तीनों कुल पढ़े, उसके बाद आप यकीन कीजिए एकदम से सीन चेंज हुआ कि मैंने देखा वो काले रंग का जो शख्स है वो मेरी रोड
जो मेरा घर है उससे ऑपोजिट जो मेरा पड़ोसी है सामने वाला उसके घर के सामने खड़ा हुआ है और झुका हुआ है कि जैसे मूंछ ने नीचे किया हुआ है, हाथ ऊपर आसमान की तरफ किए हुए हैं, मुंह नीचे करके कि जैसे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस वक्त मैंने देखा कि आसमान से कुछ 6 या 7 सुनहरे कलर की शुआएं आई और उसको आके लगी और उसके बाद वो मतलब दिखा ही नहीं मुझे कि वो कहाँ गया, खत्म हो गया। अच्छा, ये जब हुआ तो मैं एकदम उठ गया कि ये क्या हुआ और मेरी सांस बड़ी अबतर बहुत बुरी तरह चल रही, मैंने मेरे जहन में ख्वाब फ्रेश था तो मैंने अपना फ़ोन खोला, मेरा फ़ोन मेरे साथ ही होता है व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे मॉलेज हैं इंडिया में, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है। वो बैठे बच्चे उस वक्त ऑनलाइन, उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी चेक करता हूँ, आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी ओके, बट ख्वाब आपने अच्छा ही देखा है, बुरा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब आप ये देखिए कि फिर उस वक्त जो है ना ये सब करने के बाद मेरे ऊपर एक और हुनूदगी टाइप की तारी हो गई बहुत बुरी तरह कि यार पता नहीं क्या है। मैंने अब ये देख लीजिए कि तकरीबन 7:30-8 बजे का वक्त है, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी धूप हो चुकी है और बाहर लोग चहल कदमी कर रहे हैं, उससे मुझे कोई वो नहीं, मैं बस लेटा हुआ था। अब जब मैंने दोबारा में जाके लेटा और मतलब सोया, आंख लगी तो मैंने देखा कि एक अच्छी बधाइयत किस्म की एक मतलब फीमेल कह लें आप उसको, वो मेरे कमरे में है। और जब जागने के बाद देखा आपने? नहीं, जब जागने के बाद मैं दोबारा जब सोया, जब मैं अच्छा। उनसे बात उनको बात करने के बाद मैं जब दोबारा सोया तो मैंने देखा ख्वाब के अंदर ही कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, सामने एक कोई फीमेल है एंड शी जस्ट जंप्स ऑन द बेड ऑन टॉप ऑफ मी, पुट पिंस माय हैंड्स डाउन, मतलब मेरे जितने ये जो बाजू हैं उनको पकड़ के नीचे किया। उस वक्त तक उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों वाली थी और वहां पे उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई और मुझसे कहती है तू कुरान शरीफ पढ़ के बहुत चीजों को भगाना चाहता है, भगा मुझे पढ़, तेरा मुंह ही नहीं खुलेगा। अब मैं उस वक्त पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वाकई मेरा मतलब मैं अंदर तो पढ़ रहा हूँ मगर मेरा मुंह जो है वो उस वक्त नहीं खुल रहा। एकदम ये हुआ कि कमरे के अंदर जैसे मुझे बड़ी कैसे उसको डिस्क्राइब करूँ, बे इंतहा दिल फरेब खुशबू जैसे नहीं होती, बहुत ही मीठी खुशबू एकदम से वो मुझे आनी शुरू हो गई। चंद मतलब कोई आई है वो मुझे 5 से 10 सेकंड्स के लिए और जैसे ही वो खुशबू आई है वो चीख कर मेरे ऊपर से उठी है एंड देन शी जस्ट वेंट अवे। उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा। और फिर जब मैं उठा तो मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, जब मैं उठा एकदम से जब मैं अपने कॉन्शियसनेस में बहाल होकर आया तो हल्की हल्की सी मुझे वो खुशबू आ रही थी, उसके बाद वो खुशबू खत्म हो गई, आई डोंट नो कि कहाँ से आ रही थी और मैं एकदम से जाकर उठ गया। अब मैं वहाँ बैठा हूँ तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मेरा सेल फोन जो है वो बजा, मैंने उठाया तो वही मेरे मॉलेज थे। तो मैंने कहा सर ये बात हो, कहता हाँ हाँ मुझे मालूम है, वो जो आपको थोड़ी बहुत खुशबू आई थी वो इसी वजह से आई थी कि मैं वहाँ आया था देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है, तो जो चीज़ आपके ऊपर थी उसको तो हमने भगा दिया है, मगर ये मुझे ज़रा 3-4 घंटे दे दें, मैं इसका एनालिसिस करूं कि ये हुआ क्या है और फिर मैं आपको बताता हूं कि टोटल मुकम्मल वाकया क्या है। मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने फिर 3-4 घंटे के बाद मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि देखें जी ये है तो ब्लैक मैजिक ही, किसी ने बहुत पैसे दे के करवाया है। और फिर बाद में मुझे उन लोगों की असलियत भी पता चल गई कि वो कौन थे, उसमें मैं नहीं जा रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या किया, कोई तावीज़ गाड़ा है? उनका नहीं, उन्होंने एक साथ ही आपके ऊपर 3-4 चीज़ें भेज दी जब आपने अल्लाह ताला का कुरान शरीफ पढ़ा और उनका जो पहले दो थे उनको आपने भगा दिया, और अल्लाह के बल्कि आपने नहीं अल्लाह के कुरान ने भगाया। तो फिर उन्होंने तैश में आके तीसरी चीज़ भेजी, वो जब मैं उस वक्त आया मैंने देखा तो मैंने उसको वहाँ से फारिग कर दिया, तो वो चीज़ें अब दोबारा नहीं आएंगी। बट उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं है, बड़ी रात आने वाली है, मतलब कि जो ये जैसे आप कहते हैं फुल मून, मतलब बिल्कुल जिसमें मून नहीं होता, तारीख रात आने वाली है, सही। उस दिन वो कुछ और भी करेंगे, वो आज से 4 दिन के बाद है, वो सारा सामान अपना इकट्ठा करेंगे, इस वक्त उनको बेइंतहा गुस्सा है और दोबारा चीजें भेजेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो एक एक करके चीज भेजते रहे और हम एक एक चीज का कटाव करें, मैं चाहता हूँ कि उनको जितना वो जोर लगा के उनको जो चीजें भिजवानी है वो भिजवाए, उसके बाद हम एक बार में अल्हम्दुलिल्लाह उसको खत्म कर देंगे। तो मैंने आपके घर का हिसार कर दिया मगर हिसार कमजोर है। उस एक खास रात उन्होंने मुझे बताई कि वो रात थोड़ी सी आपके ऊपर मुश्किल की गुजरेगी, परेशानी होगी, कुछ होगी, तो आप अगर चाहें तो पूरी रात नमाज पढ़ें या इबादत करें या इस्तग़फ़ार का वर्द करें, परेशान मत होइएगा, कोई भी ऐसी चीज़ आपको आके नुकसान नहीं कर सकती क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, और यहाँ हिंदुस्तान में उस वक्त सुबह होगी तो मैं बैठा हुआ। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। अब मिराज भाई वो रात आई, आप यकीन करें कि
मतलब 12:05 हुए और मैं सुकून में हूँ, बिल्कुल आराम से हूँ 12 बजे तक। बस वो 12:05 हुए और मेरे दिल की धड़कन के साथ एक ऐसी एक फीलिंग आके लग गई कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आप अच्छा आज भाई, कि जैसे बिल्कुल इंसान जैसे अपने आप को अंदर से मुर्दा फील करे ना, तो यार मैं बिल्कुल खोखला हो गया हूँ। मैं मतलब डर 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 और डर के आलम में एकदम से अल्लाह ताला ने मुझे वो आयत याद दिलाई, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और मैंने उसका विर्द करना शुरू कर दिया। और पूरी रात मैं मतलब इसी आयत का विर्द करता रहा, इस्तग़फ़ार का विर्द करता रहा। और मतलब आप यकीन कीजिए कि बस अपने कमरे में मैं कुर्सी के ऊपर बैठा रहा हूँ या कभी बाहर टहल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, खुदा खुदा करके जो है वो तहज्जुद का टाइम हुआ, पूरी रात मैं नहीं सोया, मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मैंने फजर पढ़ी। उसी वक्त मेरा फ़ोन आया तो नहीं साहब थे, उन्होंने कहा हाँ जो उनको करना था उन्होंने कर दिया, सब भिजवा दिया, अब आप फिक्र मत कीजिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि 2-3 काम करने के लिए उन्होंने कुछ पानी जो है वो छिड़कने के लिए रखवाया एक जगह, कुछ पानी पीने के लिए रखवाया, कुछ बोतलें एक साथ एक कमरे के अंदर। उस कमरे को मैंने बंद किया, 8 घंटे के बाद मुझे उस कमरे में जाके वो सारा सामान निकालना था। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरी जो जो फैमिली है वो थोड़ी सी जैसे कहना चाहिए कि वो बंटी हुई है। जो मेरे बड़े दो बच्चे हैं वो अपनी मेरी फर्स्ट वाइफ और वालदा के साथ रहते हैं एक करीबी स्टेट, तो वो भी अफेक्टेड थे। तो वो मुझे अगले दिन बताते हैं कि बाबा जिस रात को वो सारा काम आपने कहा था ना, हमारे उनके पास दो कुत्ते हैं और एक बिल्ली है, कहते हैं पूरी रात हमारे जानवर जो है ना वो भौंकते रहे फॉर सम रीज़न, और पूरी रात ये नहीं सोए, हम लोग भी परेशान रहे, क्या चीज़ थी, क्या चक्कर था, इनको क्या दिख रहा था। और ये ख़ास घर के कोने के अंदर जो है ना एक जगह पे ये जो कोना बाहर की तरफ वाला है उसके ऊपर देख कर ना ये वहाँ जाने से डर रहे हैं, वहाँ जाए ना, हम जाने की कोशिश करें तो हमारे सामने आ जाए कि ना जाओ। तो बे इंतहा हमारी ये अजीब सी रात गुजरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, होता है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक हो जाएगा। बहरहाल वो जैसे ही वो उन्होंने 8 घंटे के बाद कहा था हम अंदर गए, मैंने बच्चों के उन्होंने अपने घर में पानी रखा था, मैंने यहाँ रखा था, पानी वगैरह पिया, जो चीज़ छिड़कनी थी वो छिड़की, एकदम आप समझिए कि जैसे जो कुछ भी था वो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल एक जैसे आप समझते ना कि जैसे इंसान की ज़बान पे ताला लगा हो, दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत हो, वो सब ख़त्म हो गई। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल चीज़ हो, स्पिरिचुअल ना हो, बट मैंने इस तरह की चीज़ ना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं ये चीज़ें इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो जो एक हैवीनेस आपके अंदर से निकलती है ना, और जब आप सोचने समझने के बिल्कुल कासिर होते हैं और फिर आप सोचना समझना शुरू करते हैं और आपको लगता है यार किस किस्म की बेकार बात के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था, दिस वॉज इनसिग्निफिकेंट इन लाइफ, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं यार कुछ और मसला है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनका ये क्या किया गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर के लाजमी नहीं के सामने आपकी जिस राह पर आप चलते हैं वहाँ पे किसी ने आके शमशान की मिट्टी या जो है वो इस तरह की चीज़ें वो फेंक देते हैं। फिर मुझे याद आया कि हाँ यार एक बार मैं घर में हूँ, बेगम के साथ हूँ, आई एम टोटली फाइन विद इन दोस 10-11 डेज जो ख्वाब से आने के पहले की बात है, हम गाड़ी में बैठ के बाहर गए हैं और गाड़ी के अंदर झगड़ा हो गया, वापस आके गाड़ी लगाई है, घर के अंदर आए हैं, वी बिकेम नॉर्मल। ये बातें मुझे बाद में याद आई कि मैंने कहा यार ये देखो जरा लोग, और वो जो लोग हैं उनका मुझे अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने एक बार नमाज पढ़ के जब ये सारे मसले मसाइल चल रहे थे, मैंने अल्लाह ताला से सिदक दिल के साथ दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला क्या मसला है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैं अगर किसी को पैसे दे के कोई अमल कराऊं तो इस बात के कराऊं यार हामिद साहब की जो है वो $1 बिलियन की लॉटरी निकल आए, मैं ये ना कहूँ कि फलाने इंसान का कोई $1 बिलियन का नुकसान हो जाए, तो ये क्या मसला है, ये कौन लोग हैं। बस फिर वो अल्लाह ने खुद ही एक बात जहन में डाली, मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, आपको तो पता है आजकल सारों के डिजिटल मीडिया अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट से मैंने एक फोटो उठाई, मैंने नदीम साहब को मुझे कहा जी हिसाब किताब से यही लोग बन रहे हैं सारे, तो मैंने कहा इनके शर्त से महफूज कैसे रहा जाए, उनका वजू करके रहें और इस्तग़फ़ार करें। और उसके बाद भी वो रुके नहीं, उन्होंने एक और बार फिर ये इस तरह का काम करने की कोशिश की, उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे पहले से थोड़ा बहुत बता दिया, तो उसमें भी फिर हमने थोड़ा बहुत कोई प्रिवेंटिव चीज़ कर ली, अपने आप को महफूज कर लिया। मगर आपके जितने सुनने वाले हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें असल हैं, इनका असर होता है, और जब आपको ये लगे कि आपको बिला वजह की चीज़ों पर गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर तकरार हो रही है, और हमेशा इस चीज़ का जो फोकस होता है वो यही होता है,
اگر آپ وہ دیکھیں وہ جو دو فرشتے اتارے گئے تھے تو ان کو کیا جادو میں یہی سکھایا گیا تھا کہ میاں بیوی میں تفریق ڈلوانا. اور سب سے ناپسندیدہ چیز بھی اللہ کو یہی لگتی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی, اینڈ فار دیٹ میٹر پھر بات آگے تک جو جاتی ہے. بالکل, جب ان میں علیحدہ, اور بات یہ نہیں ہے کہ صرف طلاق تک چلی جائے, اگر میاں بیوی کے اندر ناچاقی ہے, گھر کے اندر ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے, بچے خوش نہیں ہیں, آپ خود خوش نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, وہ بھی اللہ کو نہیں پسند, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ چاہتا ہے ہستہ بستہ خوش, کیونکہ اس لیے تو اس نے ایک شادی کو ایک جسے کہنا چاہیے ایک قلعہ بنایا, رائٹ, فیملی از لائک اے پلر ان اسلام. تو یہ چیزیں جب بھی لوگوں کو لگے نا کہ یار جب آپ کے اور آپ کی وائف کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, آپ کے اور آپ کے بچوں کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, تو پھر دین یو نیڈ ٹو لک فار اے اسپریچول سولوشن, ورنہ یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ آگے حد سے نکل جائیں گی اور نکل سکتی ہیں. اور ہمیشہ چاہے آپ ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پڑھنے میں اثر نہیں ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ صدقے دل سے قرآن شریف پڑھیے اور آپ دیکھیے قرآن کا اثر ایسا ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں ٹھہر سکتی, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی جن نہ ہو, کوئی کتنی بڑی بدرو نہ ہو, کوئی وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. صدقے دل سے قرآن شریف پڑھیے, وہی ایک طریقہ ہے ان چیزوں کو مارنے کا, کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی یہ اور کچھ نہیں کام کرے گا, صرف اور صرف اللہ کا کلام کام کرے گا انشاءاللہ سب کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو حامد, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مناد بھائی, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی شکریہ, خدا حافظ. چلیں جناب, ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. پروگرام کے شروعات میں ہم نے آپ کو ایک 24 سالہ خاتون کے ساتھ ہوئے ہوئے انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک خطرناک پوزیشن کے بارے میں بتایا. یہ پوزیشن 1840 میں شروع ہوا اور 1843 تک جا کے ختم ہوا, لیکن صرف اس عورت کے ساتھ جو پوزیشن تھا وہ ان سالوں میں ختم ہوا, دنیا سے اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی. جیسے اس عورت کو رات کے ٹائم ایک عورت دکھتی تھی اپنے بستر کے کنارے پہ کالے لباس میں, ہاتھ میں اس کا ایک مردہ بچہ, فرض کیجیے ابھی جس کمرے میں بیٹھ کے آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہاں خاموشی ہوگی, اندھیرا ہوگا, آپ کے ارد گرد کوئی موجود نہیں, شاید یہ آپ کی غلط فہمی ہے, کیا پتا آپ کے علاوہ بھی کوئی اس کمرے میں موجود ہو جسے آپ تو دیکھ نہیں پا رہے پر وہ آپ کو ضرور دیکھ سکتی ہے, اور کیا پتا وہ اپنے ہونے کا احساس بھی دلا دے. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.